Minister Narayan Prasad. 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 ठीक है, शुक्रिया। Excuse me sir, एक छोटा सा सवाल है। सुनने में आया है कि तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री आप ही होंगे, आपका क्या कहना है सर? उसमें कहना क्या है, जैसा पार्टी हाईकमान कहेगी वैसा करेंगे हम। सर जी, सीएम बनने के बाद आपकी क्या योजना है? योजना तो मैं सीएम बनने के बाद ही बता पाऊंगा। हो गया सर, आप यूं ही जवाब दिए बिना जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, फिर बात करेंगे। ठीक है, नमस्ते। प्लीज सर, कुछ कहे बिना जा रहे हैं यार। इसके लिए कुंदन परमार सही रहेगा, उससे जरूर कोई गर्मा गर्म खबर मिलेगी। लो आ ही गए। नमस्ते, नमस्ते। सब महिला विभाग से मालती। सब सुनिए तो। हाँ पूछिए, आप झिझक क्यों रहे हैं? अजी प्रेस की वजह से तो आज हम इस जगह पर हैं। पूछिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की दौड़ में आप भी शामिल है, क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है, पीएम से बात करने के लिए ही तो आज मैं दिल्ली आया हूँ। परमार जी, ये बताइए कि सीएम बनने के बाद आपकी क्या योजना है? तमिलनाडु में ही नहीं, आज पूरे देश में टेररिज्म टूरिज्म की तरह आम बात हो गई है। बहुत हो चुका अब। मैंने सोच लिया है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकवादियों की तरह ही मुझे सोचना होगा। सर, आतंकवादियों की हिट लिस्ट में आपका भी नाम है, क्या ऐसा कहना सही होगा? कंजूस कभी हरिश्चंद्र नहीं हो सकता और ना ही दयालु राजनीतिज्ञ। मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश में या तो मैं रहूंगा या आतंकवाद। जय हिंद, बाय बाय। सर, वहां आपने ऐसे इंटरव्यू दिया जैसे कि चीफ मिनिस्टर आप ही हैं। अब सीएम मैं ही हूं, ये तुम मान लो पिए। लेकिन हम तुम्हारी बात माने भी तो कैसे, पीएम से तुम्हारी मीटिंग 11 बजे की फिक्स हुई है। उस नारायण प्रसाद की पीएम से अपॉइंटमेंट 10:30 बजे की फिक्स हुई है सर। पीएम उससे मिलेंगे जरूर, लेकिन सीएम तो मैं ही बनने वाला हूं, तुम देखते रहो। वो कैसे सर? बच्चे हो, ये राजनीति है, तुम ये जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम मिनिस्टर बनोगे और मैं पीए बनकर सवाल करूंगा। This government apologizes and condemns the terrorist act of kidnapping our honorable tourism minister Srikanth Parmar. Apna to aap baad mein dikhaiyega sir, abhi to aap ye bataiye ki un kidnappers ka kuch pata chala ya nahi sir. We are terribly worried. Yes, jo aatankwadi hamare kabze mein hai ye unhi ke saath hi hai. What is their demand? Why did they kidnap the tourism minister? Unki maang hai ki aatankwadi hamze to unke saathiyon ko tihar jail se chhod diya jaye. Ye namumkin hai Home Minister ji. इस ग्रुप को हमने 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद पकड़ा है। हमारे 25 सिपाही इस आदमी को पकड़ने के लिए अपनी जान दे चुके हैं। मिनिस्टर अगर उत्तर भारतीय होता तो भी आप यही कहते। प्लीज उत्तर दक्षिण को अलग मत कीजिए, वी आर इंडियंस। क्यों नहीं करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? इसका असर भी तो हम पर ही पड़ा है। हाँ, इनको और सिर्फ इतना ही नहीं, आतंकवाद के खिलाफ कड़े कदम उठाने वाले वो अकेले नेता है, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। Nobody knows our struggle. इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए हमारे कई सिपाहियों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। मिनिस्टर से ज्यादा तो आपको आतंकवादियों की फिक्र हो रही है। आपको जिसे बचाना है उसे बचाइए, लेकिन हमें हमारा मिनिस्टर जीवित चाहिए, पहले आप उन्हें बचाइए।
हमारी पार्टी के सदस्य बहुत भावुक हो रहे हैं। प्लीज प्लीज स्टॉप द आर्गुमेंट। मिनिस्टर कुंदन परमार इज अ वेल्थ ऑफ आवर पार्टी। ही हैज ऑलरेडी लॉस्ट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन ए टेररिस्ट अटैक। मिनिस्टर को बचाने के लिए आतंकवादियों को हमें छोड़ना होगा। कमांडर सर। यस सर। आज की खास खबर, अपहरण किए गए सेंट्रल टूरिज्म मिनिस्टर श्री कुंदन परमार को आतंकवादियों से छुड़ाने के लिए आतंकवादियों के मुखिया अमजद और उनके साथियों को रिलीज करने के लिए मंत्रियों की बैठक में आज निर्णय लिया गया। टेररिज्म और आतंकवादियों की Come on, come on, come on, move, move, move! Hurry up, come on, come on! Come on, faster, faster, come on! Both! आतंकवादियों के खिलाफ तुम्हारी ये पहली लड़ाई है। मिनिस्टर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इट इज हाईली रिस्की ऑपरेशन। डू इट। राइट सर। जय हिंद सर। जय हिंद। एवरीथिंग इज क्लियर एंड फाइन सर। वी आर नाउ ट्राइंग टू लोकेट द टारगेट सर। गोइंग टू हिट द टारगेट सर। सर नीचे 5 लोग हैं और एक ऊपर है। अरे सुनो, तुम सब सावधान रहना, नजर खुली रखना। चलो अंदर। सबके पास हथियार है सर। ओके, कम डाउन। Thank you.
उस तरफ, इस तरफ, जल्दी, come on, hurry up, come on, this way, come on, move, 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 back up, move, hurry up, move, move, पीछे, पीछे. Chalte raho, come on, come on, move, move faster, 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 come on. Arvinder, move, move, move. Sir, both calling base, sir, operation successful, but two casualties, sir. Minister safe, sir, over. Thanks for information. Okay, sir, carry on, move, move, come on. आज मैं बहुत खुश हूँ उन आतंकवादियों के चंगुल से. आपकी रिहाई के लिए मैंने बहुत प्रार्थना की थी. तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्ही ने प्रार्थना की? सारा का सारा राज्य इनके लिए प्रार्थना कर रहा था. तभी तो ये डिक्लेयर किया गया कि कुंदन ही सीएम बनेंगे. कुछ भी हो, वाकई हमें एक बढ़िया सीएम मिला. क्यों पिए, सही कहा ना मैंने? ये बड़ाई कर रहा है या गालियां दे रहा है? गालियां देना तो हमारी राजनीति की पहचान है सर. ये टकला भी तो उन्हीं में से एक है. आप सीएम बनने वाले हैं ये जानकर मुझे खुशी हुई. शुक्रिया. नमस्ते. हाँ, नमस्ते. कभी चेहरा नहीं दिखाया और सीएम बनते ही गले मिलने चला. हाँ, हाँ। कर्नल शर्मा, कमांडिंग ऑफिसर 51 एसएजी सर. सुना है आपके बारे में. मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया. इट्स माय ड्यूटी सर. बॉयज, क्या बात है बॉस, तुम मुझे सैल्यूट क्यों कर रहे हो? सैल्यूट तो मुझे तुम्हें करना चाहिए. तुमने आसमान में बिजलियों को चमकते देखा होगा, मैंने यहाँ जमीन पर ऐसा होते हुए देखा. हाँ, इसकी वजह से ही आज यहाँ खड़ा हूँ. क्या स्पीड है, क्या स्टाइल है. यू आया, यू गोलियां दागी, यू छुड़ा लिया. वाकई कमाल गए हो बॉस. सॉरी सर, ये कमाल ऑपरेशन का था, हेडशॉट ऑपरेशन. क्या कहा? हेडशॉट. सर, हेडशॉट ऑपरेशन में दुश्मन एक ही वार में मर जाता है सर. गोली अगर हाथों में, पैरों में, यहाँ तक कि दिल में लगी हो तो बचने के चांसेस होते हैं सर, लेकिन ब्रेन में लगी हो, नो चांस. तुम्हें ये सब जानकारियां दूसरों को भी देनी चाहिए, तभी हम जैसों की रक्षा हो सकती है. आपके चेन्नई पहुंचने तक आपके लिए विशेष सिक्योरिटी तैनात करने का होम मिनिस्टर ने आदेश दिया है सर. देखो ऑफिसर, जब आतंकवाद से लड़ने के लिए मैंने अपनी कमर कसी ली है तो मुझे उससे किस तरह का भय? अगर मेरी जान जाती है तो देश के लिए ही जाएगी ना. सॉरी सर, देश की सुरक्षा के साथ साथ नेताओं की सुरक्षा भी हमारे लिए उतना ही मायने रखती है. इट इज आवर ड्यूटी, प्लीज कोऑपरेट. तुम्हारी तरह इंग्लिश मुझे नहीं आती, मैं सिर्फ पॉलिटिक्स जानता हूं. सुनो बॉस, जरा इधर आओ. ये वाकई मुझे पसंद आया. सिक्योरिटी मंजूर है मुझे. थैंक यू सर. विश्राम. बॉयज, आज का प्रोग्राम 9 o'clock शास्त्री भवन, 11 o'clock पार्टी ऑफिस, 6 o'clock कल्चरल प्रोग्राम. इज दैट क्लियर? हर वक्त अलर्ट रहना. नाउ टेक योर पोजीशंस बॉयज, कीप मूविंग. सर. तो पीए साहब, आज का प्रोग्राम कंफर्म है ना? एकदम कंफर्म है. बाद में आप इसे बदलेंगे तो नहीं? देखो भाई, पॉलिटिक्स में कभी भी कुछ भी हो सकता है. हमारा काम है सावधान रहना. पर सर, नहीं, चिंता मत करो. अरे वहां जाने के बाद. नमस्ते मंत्री जी. नमस्ते, कैसे हो? सब ठीक है ना? गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग. तो बॉस, तुम्हारी ड्यूटी शुरू हो गई. यस सर. हर वक्त चुस्त और मुस्तैद रहना. यस सर. मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हैं भाई? सर, आप दूसरे वैन में आइए. क्या क्या हुआ? सिक्योरिटी प्रॉब्लम है सर. सिक्योरिटी से तुमको प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ए कुंदन, इस पुलिस वाले को समझाओ जरा. अरे ये पुलिस नहीं है, ये कमांडो है. इसी ने मुझे बचाया था. इसमें ऐसा क्या है कि तुम्हें बचाएगा? अगर मैं होता तो तुम्हारा किडनैप ही नहीं होने देता. सर जी, आप पीछे की गाड़ी से जाइए, जो कहा जाता है वही करिए. ये करिए वरिए से मैं डर जाऊंगा क्या? ए, तू बिल्ली है,
तो मैं शेर हूँ। उसके मंत्री बनने के बाद तुम उसके बॉडीगार्ड बने, लेकिन मैं बचपन से उसका बॉडीगार्ड हूँ, समझे? बताओ इसे कुंदन। क्या यार, साथ चलने के लिए मेरी कब्र क्यों खोद रहे हो? बैठ जाओ। ये बात तुम पहले नहीं बोल सकते थे। एक बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत अपशकुन होता है, यहाँ तो बिल्लियों की पूरी फौज है, पता नहीं क्या होगा। घूरो मत राजा, बहुत खराब आदमी हूँ मैं। सर मेरी बात समझिए। इस पर भरोसा है मुझे, बैठने दो इसे। अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो गाड़ी पर लटक जाना, ठीक है? थोड़ा चखना लगे हो जरा। हे वॉचमैन नहीं, कमांडो है। कमांडो है तो चखना नहीं ला सकते, हाथ में मेहंदी लगी है। Excuse me. कमांडो चखना ला। एक्सक्यूज मी सर, इज्जत से बात कीजिएगा। तो मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है? तुम्हारा नाम कमांडो है ना? जी नहीं, बोस। अच्छा, तो इसीलिए हमेशा बोस देते रहते हो। ये बताओ, तुमने ड्रेस को प्रेस किया या खुद को? सर ये लिमिट से बाहर जा रहे हैं। मेरी कंप्लेन कर रहे हो? बच्चे, माँ बाप ने मेरा नाम वेद प्रकाश रखा था, लेकिन ये लोग प्यार से मुझे बम प्रकाश बोलते हैं, जानते हो क्यों? दंगे में इसने 50 बम फेंके थे, वो भी खुद के तैयार किए हुए। 50 बम तो ठीक ठाक सही फूट गए, लेकिन एक बम गलती से मेरे हाथ में ही फूट गया। क्या प्रॉब्लम है? टेक्निकल प्रॉब्लम। इसका चेहरा किधर गया? बच्चे एक बात बताओ, तुमने पाकिस्तान में बम फोड़े होंगे, लेकिन इंडिया में मैंने बम फोड़े, समझे? तू परेशान कर रहे हो उसे, छोड़ दो। बहुत ठंड है ना, इसीलिए अकड़ गया है। उसकी गलती नहीं है, एक दो पैक पिला दे, ठीक हो जाएगा वो। ये बात है? लो भाई पियो। सॉरी सर, मैं शराब नहीं पीता। लगता है इसके दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं। जानते हो, ऐसा फौजी मिल जाएगा जो बार में न गया हो, लेकिन ऐसा फौजी नहीं मिलेगा जो बार में न गया हो। मिलिट्री का मतलब ही ऐसा। मुझे घूर क्यों रहे हो? शूट करोगे क्या? करो शूट। तुम्हारी गोली मेरे दिल से टकरा कर वापस तुम्हारी बंदूक में चली जाएगी। ऐसे दिल मत दिखाना, शूट कर देगा। पहले उसकी सुरक्षा का इंतजाम तो कर लो। मैंने भूल ही किया था, ये लो और इनकी सुरक्षा का इंतजाम कर दो। मैं यहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए आया हूँ। इस बच्चे को कैसे समझाया? सुरक्षा की बात नहीं हो रही राजा, एज से सुरक्षा की बात हो रही है। लो सर, माय ड्यूटी टाइम इज ओवर, चलता हूँ सर। ये क्या है, हम अभी पी रहे हैं और ये चल दिया, कुछ समझ में नहीं है। मिलिट्री बर्बाद हो गई है, प्राइवेटाइज कर देना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से निकालना होगा। कौन चिल्ला रहा है? सर उधर मत जाइए, मत जाइए। सर लगता है तो रोज की ही बात है, आप इस चक्कर में मत ही पड़िए। पर वो चिल्ला क्यों रही है? छोड़िए सर, नहीं होगी धंधे में। हाँ सर, आप इस चक्कर में मत ही पड़िए। नहीं, मैं देख कर आता हूँ, तुम यही रुको। साहब का ऑर्डर है, ऊपर नहीं जा सकते। ऊपर नहीं जा सकते, छोड़ो मुझे। किधर जा रहा है तू? बचाओ। सर सर, ए, तुम अंदर कैसे आए? सर ये क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। क्यों, तुझे भी चाहिए क्या? बाहर खड़ा रहे, मैं बुलाऊंगा तुझे। हेल्प मी सर, वो कॉलेज की लड़की है बेचारी। जाओ यहाँ से, छोड़ो।
सर मेरी बात सुनिए, सर उसे छोड़ दीजिए, वो बेचारी कॉलेज की लड़की है। तो अच्छा है ना, कभी कॉलेज नहीं गया तो आज कॉलेज की लड़की से सीखने का मौका मिला है, अच्छा है ना। तुम जाओ यहाँ से, जाओ जाओ निकल जाओ। मिस्टर कुंदन परमार, आप उस लड़की को छोड़ दीजिए। तुम अपनी आवाज ऊंची मत करो, ये भी तुम्हारी तरह ब्लैक कैट है क्या? ए, तुम कैट वैट नहीं, डॉग हो, मेरे घर की रक्षा करने वाले डॉग समझे? अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। ए बॉस, एक वक्त में दो गलत काम नहीं करता मैं, निकल जाओ यहाँ से। आप जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेगा, क्या कर लेगा? मैं आपकी सुरक्षा के लिए हूँ, लेकिन इसे बचाने के लिए मैं आप पर भी गोली चला सकता हूँ। अरे पहले तू खुद को बचा के तो दिखा, तेरी तो। जाओ, चले जाओ। जाओ। क्या हुआ था यार? ये क्या क्या आपने? सीओ को इन्फॉर्म करो मैंने मिनिस्टर पर गोली चलाई है। पर ऐसा क्यों किया आपने? चलो सब अंदर, चलो चलो, चलो जल्दी, चलो चलो चलो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बॉस? आपने जो सिखाया था मैंने वही किया सर। इडियट, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है? जुर्म करने वाले को गोली सुड़ा दो, मैंने वही किया। लेकिन तुमने उस मिनिस्टर पर गोली चलाई क्यों? वो एक लड़की का रेप करने जा रहा था सर। कौन है वो लड़की, कहाँ है वो? अगर मैंने बता दिया तो उसे बचाने का कोई मतलब नहीं रहेगा सर। इडियट, नौकरी चली जाएगी नहीं बताया तो, जानते हो? जानता हूँ सर। इसीलिए मेहनत करके आर्मी ज्वाइन की थी? मैंने आपको बताया ना सर, वहाँ गलत काम हो रहा था, उन्हें सजा देने के लिए तुम्हें वहाँ नहीं भेजा था। लेकिन सर, सामने हो रहे जुर्म से मैं नजर नहीं फेर सकता। तुमने एक नेता को गोली मारी है, आतंकवादी को नहीं। वो एक आतंकवादी भी है, छोड़ दिया तो देश को नोच खाएगा। गोली चलाने से पहले सोचा तुमने? सोचता तो कभी गोली नहीं चला पाता सर। नौकरी जा सकती है, सोचा? देश की इज्जत के बारे में जरूर सोचा सर। बोस, तुम कोई भी वजह बताओ पर सजा देने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। I'm putting you on the court martial. अपनी बेल्ट निकालो। सर, मैंने कहा बेल्ट निकालो। कैप्टन बोस, आपके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, क्या कहना है उसके बारे में आपको? अगर आपका जुर्म साबित हो जाता है तो आपको कड़ी सजा दी जाएगी, इस बात का ध्यान रहे। क्या हुआ तुम्हें, कुछ कहते क्यों नहीं हो तुम? आपके ऊपर क्या इल्जाम लगा है जानते हो? जानता हूँ सर। तुम मानते हो कि तुमने मिनिस्टर को मारा? मानता हूँ। Shame on you, boss. Shame. कैप्टन बोस, आपने मिनिस्टर पर गोली क्यों चलाई? मिस्टर बोस, आप जानते हैं इसकी सजा क्या है? जी सर। जानबूझकर तुमने मारा? जी, जानबूझकर। मिस्टर बोस, इट इज एन इरेस्पॉन्सिबल रिप्लाई। तुम कितने भी बहादुर क्यों ना हो, फौज की इज्जत ज्यादा बड़ी है। IC-42979W Captain S.C. Bose is hereby charged under Army Act 45 in conjunction with Army Act 46A and Army Act 63, read with IPC 302, for unbecoming an officer and attempt to murder. Under these charges, this court gives the verdict that Captain S.C. Bose is to be cashiered.
इतनी मेहनत की थी तुम्हारे ऊपर, सब बेकार कर दिया। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी सर। बताइए मिस्टर परमार, कैसा फील कर रहे हैं? तो मैं जिंदा हूं, पर इतना मायूसी से सर क्यों हिला रहे हैं? सॉरी सर, जिंदगी तो आपकी बचा ली हमने, पर आपकी जीवन रेखा। तो फिर वो गया, वो गया ना, बताओ मुझे जिंदा क्यों रहने दिया तूने? शांत हो जाओ कुंदन, ये बड़ी बात है कि तुम जिंदा हो, शांत हो जाओ। डॉक्टर साहब जरा दो मिनट प्लीज। नर्स तुम भी जरा बाहर जाओ, नर्स तुम भी बाहर जाओ, जाओ जाओ। कुंदन टेंशन क्यों लेते हो, रिलैक्स हो जाओ। छोड़ो मुझे, व्यवस्था हो गई क्या? दिन थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। दिन आगे बढ़ाया? किसकी इजाजत से बढ़ाया? किसकी इजाजत से तुमने उस लड़की को हाथ लगाया? उस लड़की की वजह से तुम्हें गोली लगी। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस मुश्किल से छुटकारा पाने के लिए। कहाँ है वो? किसकी बात कर रहे हो? जिसने इससे गोली मारी थी वही। अच्छा वो कमांडो, उसे तो फौज से निकाल दिया, वो गाँव गया वापस। क्या बक रहे हो तुम, मैं उसे मारना चाहता हूँ, उसे छोड़ कैसे दिया? तो फिर हम क्या करते? गोली चलाने के जुर्म में आर्मी ने उसे पनिशमेंट देने के बाद सिविल कोर्ट में केस करने के लिए कहा। हमने कहा रहने दो। क्या तुम मुझ पर गोली चलाने वाले को तुम पुरस्कार से सम्मानित करने वाले हो? इतना नाराज क्यों हो रहे हो कुंदन? सिविल कोर्ट में जाने के बाद क्या होता? सारी जनता को इस बात का पता चल जाता और तुम्हें एक भी महिला का वोट नहीं मिलता। फिर तुम्हारी राजनीतिक जिंदगी ही नहीं, हम सबके पॉलिटिकल करियर का दी एंड हो जाता। तो क्या चाहते हो? जिस आदमी ने एक गोली से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उसे मैं जिंदा छोड़ दूं? क्यों छोड़ोगे? तुम उसे जरूर खत्म कर दो और उसे ये भी दिखा दो कि तुम किस हद तक कमीने बन सकते हो। लेकिन अभी तुम आराम करो, पार्टी चीफ को बता देता हूँ और शपथ ग्रहण समारोह का दिन फिक्स कर देता हूँ। हे पीए सर, आखिर वो गया कहाँ? चेन्नई गया तमिलनाडु एक्सप्रेस से। वो मुझे चाहिए, वो भी जिंदा। उसकी खाल खिंचवाकर मैं उसमें भूसा भरना चाहता हूँ। फोन लगाओ शिव मां जी को, चेन्नई पहुंचते ही उसे उठवा ले वो। हेलो भाई, कैसे याद किया? शिवमा जी बोल रहा हूँ। कौन सी ट्रेन से? सिर पकड़ लूँ या मार डालूँ? तो उसका एक फोटो फैक्स कर दो भाई, मैं उसे भिजवा दूंगा बक्से में रखकर। ओके भाई, थैंक यू भाई। थैंक्स दोस्त। माँ, भैया, पापा, ए बच्चा वाड़े, भाभी।
वेलकम वेलकम सर, चूंकि आप बहुत दिनों बाद घर पर आए हैं इसीलिए सबका परिचय देने की परमिशन चाहता हूं सर। यस सर। ये आपके बड़े भाई के चार बच्चे हैं। हाय चाचा। हाय। ये बड़े भाई एमएलए। हेलो भाई। हेलो। यू लुक स्मार्ट बॉस। यू टू ब्रदर। बड़ी भाभी कमला, इस घर की हेल्थ मिनिस्टर। छोटे भैया विकास नारायण। हेलो भाई, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक हूँ। ये हैं आपकी छोटी भाभी, इनकी शादी में आप नहीं आ पाए थे क्योंकि उस वक्त ट्रेनिंग के लिए आप इसराइल में थे। और ये हैं हमारे घर की आधारशिला, हमारा सहारा और सब कुछ। कम शब्दों में कहूं तो ये मेरी पत्नी है, ज्यादा शब्दों में कहूं तो ये हमारे परिवार की जिंदगी है। अच्छी तो हो मां? अच्छी हूं बोस। अब मैं आपका परिचय एक बहुत ही खास व्यक्ति से करवाता हूं। INA मेंबर नंबर 5150 इज कमिंग। परेड अटेंशन। यस सर। इन्होंने हर किसी से आपका परिचय करवाया, अब आपसे इनका परिचय करवाना मेरा फर्ज है क्योंकि इस दुनिया से इनको परिचित कराने वाला इंसान भी मैं ही हूँ। अनफॉर्चुनेटली आई हैपन टू बी हिज फादर। एनी डाउट? नो। तो ठीक है, इसका नाम है गांधीराम। ये पुलिस में हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, आज भी ये हेड कांस्टेबल ही हैं। बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। सर, नेताजी अच्छे इंसान थे, दादाजी बुरे इंसान है सर। एक हफ्ते से ट्रेनिंग करके परेशान कर रखा है सर। आर्मी की गुप्त बातें बाहर आ रही हैं, इसलिए अब सभा बर्खास्त। परेड डिस्पर्स। क्या हुआ? नहीं मिला वो? क्यों नहीं मिला? आज सुबह की तमिलनाडु एक्सप्रेस से, आज सुबह की तमिलनाडु एक्सप्रेस से या दोपहर और शाम की ट्रेन से हमने सब में पता किया, कोई बोस नहीं आया। नहीं आया? हाँ। बढ़े, जरा वो दिखाना। तमिलनाडु एक्सप्रेस से जो बंदा आया वो है एससी बोस। तुम ढूंढ नहीं पाए उसे। गुंडा बनना हर किसी के बस की बात नहीं है। गुंडा वही बन सकता है जो पीछा करते हुए सामने नजर रखे, भागते हुए पीछे नजर रखे, ढूंढते वक्त चारों तरफ नजर रखे। डेड किधर है? मैं नहीं जानता, मंडी में जाकर पता करो। मैं वहां देख कर आ रहा हूँ। उसकी फोटो मुझे दे दो, मेरे लड़के किसी को ढूंढ रहे हैं, सेठ को भी ढूंढ लेंगे। मजाक मत करो, अगर दो दिनों में सेठ मुझे नहीं मिला तो गली के कुत्ते की तरह तुम्हारी हालत कर दूंगा। भाई वीरू माझी, ये इलाका जो है वो मेरा है, तो चलते बनो। वो मेरे लड़के जरा चोट खाए हुए हैं, तुम पर ही गुस्सा न उतार दें। दो दिनों में अगर सेठ मुझे नहीं मिला तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि गुस्सा कैसे उतारा जाता है। चलो। कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं कुछ ज्यादा ही दयालु। मैडम, मैडम। हाँ? कॉफी। ओह थैंक यू। ए चारू, वो हमें कॉफी दे रहा है तो हम उसे पैसे दे रहे हैं, फिर ये थैंक्स क्यों? वो सुबह से इतने सारे लोगों को कॉफी सर्व करके थक गया होगा, थैंक्स सुनकर उसकी थकावट थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे भी थैंक्स बोलने में क्या चाहता है, फिर भी एक वेटर को थैंक्स बोलने की क्या जरूरत है? इस सुनो, थैंक्स कहना अच्छी बात है, कोई भी ये कह सकता है, तमीज हो तो। ठीक है दादी अम्मा, इस सलाह के लिए आपका शुक्रिया। आपने जो कॉफी ऑर्डर की है क्या मैं उसे पी सकती हूँ? ये तो वही है। चारू, एक्सक्यूज मी। चारू रुको। हेलो मिलिट्री। हाय, आप ही हैं? हेलो, हाउ आर यू? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप यहीं रहते हैं? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं हूँ चारू। दिल्ली, अगस्त 11 कल्चरल प्रोग्राम, स्टेज डांस, मिनिस्टर गोली चलाई थी डिशम। आपको याद आया? सॉरी मैडम। हाँ?
नहीं पहचाना। अरे लेकिन सिग्नल हो गया है। तुम्हारा पोज गड़बड़ है। पोज गड़बड़ नहीं है, बोस गड़बड़ है। बोस? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है दिल्ली। अगस्त 11th कल्चरल प्रोग्राम। दिशुम? दिशुम? दिशुम नहीं मैडम, दिशुम। नॉनसेंस, ये बोस क्या चीज है? बोस एक आदमी है मैडम, उसका कहना है कि वो इसे नहीं पहचानता और इसीलिए ये कंफ्यूज होकर यहाँ सबको कंफ्यूज कर रही है ना चारू? अपने कंफ्यूजन से हर किसी को कंफ्यूज कर रही हो। आउट आउट। थैंक यू। कम ऑन गर्ल्स, टेक द पोजीशन। ए चारू, तुम्हारी हरकत पर मुझे शर्म आ रही है। क्यों? अक्सर लड़के लड़कियों का पीछा किया करते हैं और तुम ठीक उल्टा कर रही हो। हेलो अंजू मैडम, आप शांत रहेंगी? ए, तुम उसे थैंक्स कहना चाहती हो या उससे रोमांस करना चाहती हो? थैंक्स से ऊपर, रोमांस के नीचे, समझी? मैं तो कंफ्यूज हो गई। ए, वो आ गया, देखो। हाँ, कहाँ? कल तो एक बच्चे के साथ था, आज दो बच्चों के साथ है। तुम्हारे इनकी स्पीड अच्छी है। ओके, अब आप यहाँ से जाएंगी? ठीक है ठीक है, ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट। ओके, जाओ 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 जाओ। बाय डियर। बाय बॉस। बाय दिव्या। हाय। हाय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मुझे आपसे कुछ पूछना है, इफ यू डोंट माइंड। कुछ पूछना है? तो पूछ डालिए। ओके, एक मई से आपको क्या याद आता है? मजदूर दिवस। गुड। मार्च 8 से? मार्च 8 मदर्स डे। वेरी गुड। अक्टूबर 2 से? अक्टूबर 2 महात्मा गांधी जयंती, कामराज श्रद्धांजलि दिवस और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है। राइट 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 राइट। अब एक आखिरी सवाल पूछूं? पूछो ना। थैंक यू। अगस्त 11 से? अगस्त 11 मुझे नहीं याद कुछ ऐसा खास हुआ था। प्लीज 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 जरा सोच कर बताइए। सॉरी मैडम, कुछ याद नहीं आया। ओके, एटलीस्ट ये तो याद होगा कि मैं कौन हूँ। क्यों मैडम, ऐसा क्यों पूछ रही है? आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप मुझे अच्छी तरह याद। क्या बात है, क्या याद है कहिए ना। कल ग्रीन रोड में येलो कलर के चूड़ीदार में और ब्लू कलर के दुपट्टे में, कान के लटकते हुए झुमके में, माथे पर बिना बिंदी के, ठीक 8:15 हाँफते हुए तुमने मुझसे पूछा था मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही लड़की हो ना? नहीं, मैं उसकी माँ हूँ। ओह, आई एम सॉरी, उसे कहिएगा मुझे वो याद है। चलता हूँ। एक्सक्यूज मी सिस्टर, क्या तुमने इस आदमी को कहीं देखा है? इस फोटो में जो आदमी है उसे कहीं पर देखा है तुमने? क्या कहा? इस आदमी को कहीं तुमने देखा है क्या? इस आदमी को कहीं देखा है तुमने? मुझसे पूछता है, मुझसे पूछता है इस आदमी को कहीं देखा है? मुझे चक्कर आ गया, मैं ठीक कर दूंगी। तेरी हिम्मत कैसे है मुझसे पूछने की? मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? क्या हो रहा है यहां पे? नहीं, मैं कहां जाता है? अरे इसको चक्कर लगा दो, मारो मुझे। मैंने इसके साथ में बोला, अरे मैंने तो सिर्फ इतना पूछा कि फोटो वाले आदमी को कहीं देखा है, तो मैंने बाल पकड़ के नोट डाले उस लड़की ने। क्या है, तुम इतना टेंशन में क्यों हो? और नहीं तो क्या, मैं उसे ढूंढ रही हूँ, ये मुझे ही पूछता है, मैं पागल हूँ क्या? पागल तो तुम हो ही। भाग यहाँ से, अगर सामने आया ना तो भागो, नहीं तो पगली मारेगी और इडली के साथ खा जाऊंगी। शांत हो जा, पगली कहेगी तो चारू। इसके लिए अब एक ही रास्ता है चारू। कौन सा रास्ता? तो बताओ क्या समस्या है? ए, कहो ना। डॉक्टर, उसका नाम बोस है, 6 feet हाइट। वाकई लंबा है। 70 kg वेट है। वजन तो अच्छा है। थैंक यू। और बहुत ताकतवर है, आर्मी मैन है। आर्मी मैन है, निशाना अच्छा होगा। क्या खूब निशाना है, लेकिन आजकल वो भूल गया है। वो आजकल भूल गया है? तुम्हारी समस्या में अच्छी तरह समझ गया। ये बताओ कितने महीने हुए? सिर्फ 15 दिन हुए हैं। बहुत कम दिन हुए, गर्भ की पुष्टि के लिए कुछ हफ्ते तो चाहिए। गर्भ की पुष्टि? ठीक ही लोग आपको बेअकल कहते हैं। नहीं, मूर्ख कहते हैं। वो भी ठीक ही है, क्या कह रही हूँ और क्या समझ रहे हैं? मैं कह रही हूँ उस आर्मी ऑफिसर को सब कुछ याद है, हमारी मुलाकात याद नहीं, अब मैं क्या करूँ? कोई बड़ी बात नहीं, एक नौजवान खूबसूरत लड़की को भूल जाए तो समस्या जवानी की है। जवानी की समस्या? उस बोस को इस बात का डर है
कि उसे कहीं तुमसे प्यार ना हो जाए, इसलिए तुम्हें अवॉइड कर रहा है, बस इतना ही है। हाँ? क्या ये वाकई सच है? ऐसा सिर्फ मैं नहीं कहता, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत भी कहते हैं। थैंक यू, अगर आपकी बात सच है तो आपके आशीर्वाद से हमारी शादी हो जाएगी। बात गलत हुई तो आपको सिर फोड़ दूंगी। उसकी रहने दो, अपने बारे में सोचो। अब लड़के स्लिम लड़की पसंद करते हैं, तुम भी अपना वजन कम कर लो, नहीं तो चक्कर लगाती रहोगी। ए मूर्ख, शांत रहो, नहीं तो अभी तुम्हारे ऊपर कूद पड़ूंगी। इससे अच्छा सिर फोड़ दो, अब वो ठीक है, यो तो चली जाओ। डॉक्टर आपकी फीस? फीस की चिंता मत करो, पहले जाकर बोस से मिलो। ऑल द बेस्ट। टोकन प्लीज, 3 रुपीज ये लो। ये तो वही है। ए, तुम वही फोटो वाले हो ना? हाँ हाँ, लेकिन गलती से पूछा था, मुझे माफ कर दो, कभी नहीं पूछूंगा। चलो भूल जाओ, उस दिन मैं खराब मूड में थी इसीलिए पीटा था, दिल पर मत लेना। अरे बिल्कुल नहीं, दोस्ती में लेन देन तो चलता रहता है। अच्छा ये बताओ, उस दिन तुम बोस को क्यों ढूंढ रहे थे? क्या है वो? हाँ, दरअसल हम दोनों बचपन में एक साथ ही पढ़ते थे, क्लासमेट थे। क्लासमेट? हाँ भाई, बोस और मैं 5वीं क्लास तक साथ ही पढ़े, उसके बाद वो पास होकर इंडियन मिलिट्री में चला गया और मैं फेल होकर ब्यूरो मिलिट्री में चला गया। चलो रहने दो, मैं भी बोस को ही ढूंढ रही हूँ। सचमुच? हाँ सचमुच। सुनो, हाँ। अपना नंबर मुझे दे दो, अगर तुम्हें मिला तो तुम फोन कर देना, अगर मुझे मिला तो मैं फोन कर दूंगी। ये जेंटल वुमन्स एग्रीमेंट है, ठीक है? एकदम ठीक, मैं भी जेंटलमैन आदमी हूँ। मैं चलती हूँ, थैंक यू, बाय। सुनो ठीक से जाना, टेक केयर। हाँ? यार वो लड़की कौन है? अरे वो अपने टाइप की है। ऐसी बात है? वो भी बोस को ही ढूंढ रही है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, अपने धंधे में अब महिलाएं भी शामिल हो गई भाई। महिला पुलिस हो सकती है, महिला गुंडा क्यों नहीं? सही बोला भाई। करता है। हाँ? और क्या, चलो। गाड़ी में कैसे बैठ गए? उतरो। एक बात सुन लो, तुम कमांडो नहीं, मैं स्टूडेंट नहीं, तुम बॉस नहीं, मैं चारू नहीं, एक दूसरे को नहीं जानते। अब मुझे मार्केट जाना है, मुझे ड्रॉप कर दो। बिल्कुल नहीं। तुम डर रहे हो ना कि अगर मुझसे बात करोगे तो कहीं मुझसे प्यार ना हो जाए? केस मोर्ट ने कहा। डॉक्टर मंद बुद्धि। अच्छा वो सेक्स डॉक्टर? नो, ही इज द बेस्ट डॉक्टर। अब ये बकवास बंद करो और बाइक से उतरो। अगर डबल राइडिंग से डर लगता है तो लाओ, मैं चलाती हूँ। क्यों डरूंगा मैं? भाई क्या कहना है, तुम्हारे गॉगल्स, पीछे बैठी लड़की, क्या सेटिंग है भाई। किसी ने तुमसे पूछा है क्या कौन है? क्या रापची का आइटम है? ए, चला के बैठ। एक खूबसूरत लड़की खुदा कर बैठ गई। अरे मस्त रहने का भाई। फ्रेंड्स? कब से? हमारी शादी होने वाली है। क्या बात है भाई, बेटे की एंगेजमेंट कर दी तुमने और हमें बताया तक नहीं। वो एंगेज्ड है, मुझे भी आज ही पता चला। हेलो, क्या बड़बड़ा रहे हो? जोड़ी अच्छी है ना? क्या बड़बड़ कर रहे हो तुम? नीचे उतरो। वो हमें घूर रहा है। अरे वो कोई और नहीं, मेरा बाप। अरे पर... भाई चलो उतरो। अगस्त 11 चारू तुम्हें याद है? कहो तो। उतरो जल्दी। अगस्त 11 चारू कहो तभी। तेरी तो बहुत हो गया। अगस्त 11 तो अगस्त 11 सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। उस दिन क्या तुम्हें बहुत बड़ा सम्मान मिला था जो मुझे याद करने को कहती हो तुम? तुम्हें लगता है कि हमारी मुलाकात बहुत अच्छे मौके पर हुई थी? पाँव में कोई कांटा चुभ जाए तो कोई भी उसे निकालने में मदद करेगा। दोबारा जब तुम उससे मिलते हो तो सिर्फ उसकी मदद ही याद नहीं आती, वो दर्द भी याद आता है जो तुम्हें हुआ था। मैं तुम्हें इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ ताकि तुम उस भयानक हादसे को भूल सको। अगर ऊपर वाले ने हमें याददाश्त दी है ना, तो भूलने की शक्ति भी दी है। हर बुरी बात को भूल जाओ। मैं भी भूल चुका हूँ वो दिन और वो हादसा। और तुमने अगस्त 11 चिल्ला चिल्ला कर आसमान को सर पे उठा रखा है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? कह चुकी, बोलो ना, कह चुके हो गया या अभी कुछ बाकी है? एक बात कहूँ बोस, तुम्हें भले ही मैं बुरे हालात में मिली लेकिन तुम्हारे अंदर एक महान इंसान को देखा। उस हादसे को तो मैं कब का भूल गई, लेकिन मुझे याद रहे सिर्फ तुम। ऐसे हालात में भी तुमने मेरा चेहरा पल्लू से ढककर मेरी पहचान छिपाने की कोशिश की, तो फिर मैं तुम्हारा चेहरा कैसे भूल सकती हूँ? तुम्हारे लिए वो एक छोटी सी मदद होगी लेकिन मेरे लिए एक नया जीवन। तो कहो, ये सारी बातें मैं किसी भी हालत में भुला सकती हूँ? उस दिन मैं तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई थी, जानते हो कितना रोई थी मैं? और उस दिन के बाद तुम्हारे आर्मी एड्रेस पर मैंने कितने लेटर्स और थैंक्स के कार्ड्स भेजे, लेकिन तुमने एक का भी जवाब की जरूरत समझी? एक बात जानते हो, मदद लेना उधार के समान है और मेरे ऊपर तुम्हारे उस उधार का एहसान है। शायद वह एहसान ना उतार पाऊं पर हाथ जोड़कर थैंक्स तो कह सकती हूं। थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, सिर्फ इतना ही कहने के लिए आपको ढूंढ रही थी। गुड बाय सर।
साफ साफ लिखो, उसके बाद थोड़ी जगह छोड़ो, 3-4 समझ आ गया, ठीक है मामा, ऐसे ही करना। आओ आओ बॉस, आर्मी से तुम्हारा कोई पार्सल आया हुआ है। मेरा? तुम एक आर्मी मैन हो तो वहाँ से पार्सल नहीं आ सकता तुम्हारा। सॉरी दादाजी, मैं कुछ और ही सोच रहा था। कहाँ है वो? बॉस, पार्सल ऊपर रखा है। ठीक है भाभी, मैं भी आता हूँ। हाँ हाँ, देखो ये ऐसे नहीं, इसको तुमने गलत किया है। अभी है। मैं ये खाऊंगा। क्या करेले की सब्जी नहीं खाऊंगी? मुझे ये खाना है ना, पर सब्जी खाओगे तो सेहत बनेगी। ये मुझे नहीं अच्छी लगती। बेटा ना नहीं कहते, अच्छी तरह से मिलाकर खाओ। कौन थी वो लड़की? सुनाई नहीं दे रहा है, कौन थी वो लड़की? छोटे पापा, वो अगस्त 11th वाली लड़की थी ना। अगस्त 11th? हाँ, वो तो मुझे भी पता है, इसकी कोई दिल्ली की पुरानी फ्रेंड है, ऐसा बच्चे कह रहे थे। इस घर में सबको इस बात की जानकारी है, सिर्फ मुझे नहीं। पुलिस को हर बात लास्ट में पता चलती है, उसके बाद ही सच्चाई का पता लगाती है। हो सकता है, लेकिन इस केस में मैं अकेला विटनेस हूँ जिसने उस लड़की को देखा है। ये सब क्या कह रहे हैं? तुम्हारा बेटा एक लड़की को बाइक पर बैठाकर सारे शहर में घुमा रहा है। हो सकता है किसी लड़की ने ही इसे लिफ्ट मांगी हो, तुम इसकी गलती क्यों ठहरा रहे हो? मैं नहीं ठहरा रहा, ये खुद कह दे कि ये उसे नहीं जानता। उसे जानते हो? जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। तो फिर तुम्हारे पापा सच बोल रहे थे? पापा ने जो कहा वो सच नहीं है, सच मैं बता सकता हूँ। उसके बारे में बताऊंगा तो और बातें भी बतानी पड़ेंगी। आपको बता दूं कि अब मैं आर्मी में नहीं हूं। यह मैं क्या सुन रहा हूं? आई एम कोर्ट मार्शल्ड। बॉस, कोर्ट मार्शल? यू रास्कल, तुमने क्या किया जो तुम्हारा कोर्ट मार्शल हुआ? बताओ तुमने क्या किया था? बोलो, बताओ, तुमने पीछे हटो। ये मुझे क्या बताएगा? बेशरम कहीं का, कोर्ट मार्शल होने के बाद भी लड़की को साथ में घुमा रहा है। रास्कल, बोलो, बताओ मुझे। मिनिस्टर पर गोली चलाई। क्यों चलाई मिनिस्टर पर गोली? वो गलत काम कर रहा था। उसकी गलती की सजा देने वाले तुम प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो, बताओ तुम कौन हो? आपका बेटा। पापा प्लीज। पापा, कानून और देश के लिए लड़ने की शिक्षा किसने दी थी मुझे? गलत काम करने वाले से लड़ो, उसे हराओ और उसके मुंह पर थूको, यह शिक्षा मुझे किसने दी? आपने। अगर मैं गलत हूं तो आपकी शिक्षा गलत है। किसी लड़की की इज्जत लूटते हुए मैं नहीं देख सकता। एक बलात्कारी को गोली मारने के जुर्म में आर्मी ने मेरा कोर्ट मार्शल कर दिया है, और यह मैं आपको बताना चाहता था। पर यहां जब आप सबको इतना खुश देखा तो मैंने खुद को रोक लिया। पापा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं, कभी गलत नहीं करूंगा। पापा, एक बार सोचिए, ये आर्मी के लिए दोषी हो सकता है पर हमारे लिए नहीं। सही कहा, अपनी नौकरी बचाने की जगह एक लड़की की इज्जत बचाना कितनी महान बात है। ए बोस, तूने बिल्कुल ठीक किया रे, वो लड़की दिखती कैसी है? उस लड़की को सुबह पापा ने देखा है, उसका नाम है चारुलता। आज पहली बार वो मेरी बाइक पे बैठी। वो मेरी पत्नी बनने के लायक है या नहीं, ये आप तय कीजिए। माफ कर दो बोस,
सही वक्त पर बहादुरी न दिखाना भी कायरता की निशानी है। ये जाने बिना तुम्हें पीटा, मुझ पर गुस्सा तो नहीं होना? अगर ये गुस्से में हो और तुम्हें पीटे तो पिटाई खाओगे। हमेशा मारपीट तुम्हारे डिपार्टमेंट की कमजोरी है। बॉस, सिर्फ अच्छों को गुस्सा आता है। तुम्हें गुस्सा आया, तुमने उसे गोली मार दी। उसे गुस्सा आया, उसने पीट दिया। मेरा बेटा भी अच्छा आदमी है। ए, उसे तुम यहाँ लेकर आ रहे हो या मैं जाकर उसे मिल लूं? मैं चारू को देखना चाहती हूँ। Excuse me? जी? चारू लता से मिला है। आप उसके कौन हैं? बोस नाम है मेरा, वो जानती है। आप वेट कीजिए वहाँ। थैंक्स। हेलो, मैडम चारू से मिलने को ही आया है। प्लीज उसे रिसेप्शन पर भेज दीजिए। हाय चारू दीदी। हाय। चारू। हाय। कोई मुझसे मिलने आया है क्या? हाँ उधर देखो, वो बैठे ना तुमसे मिलने। जी, पहचाना नहीं आपको। क्या कह रही हो? चारू, I'm Bose। Bose, so what? मजाक कर रही हो तुम? क्यों करूंगी मजाक, मैं वाकई आपको नहीं जानती। August 11th, Minister, Delhi, Cultural Program, Tissue? सॉरी सर, मैं नहीं जानती। मैडम। यस। जिस चारू से मैं मिलना चाहता हूँ वो यही है। उसे कह देना आई लव हर। और हाँ, अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी से करूंगा, वरना नहीं। पंचुअलिटी नहीं है, प्यार के खूबसूरती इंतजार में ही है। हेलो, शायर के घर से होकर आ रहे हो क्या? शायरी कर रहे हो? ये लो। ये क्या है? खोल कर देखो। ब्यूटीफुल। मैंने तुम्हें ऐसा गिफ्ट देने के बारे में क्यों नहीं सोचा? दिस गिफ्ट इज सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। वेलकम। ठीक है, मैं भी एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी। इस थिएटर में तुम्हें क्या मिलेगा? पॉपकॉर्न, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा? Come on, be serious, boss. चलो ठीक है, तुम चल कर बैठो, मैं जरा एक फोन करके आती हूँ। किसे फोन करोगी? चलो अभी आती हूँ। शो का टाइम हो रहा है। प्लीज। ए, चारू। प्लीज, प्लीज, प्लीज। चारू, जल्दी करना। ठीक है। उसे क्या गिफ्ट? हेलो दोस्त, कहाँ तुम? मुझे दोस्त बोला? कौन हो तुम? मैं चारू बोल रही हूँ। चारू कौन? अरे स्कूल के सामने पीटा था ना। हाँ, अब याद आया, याद आया। बताओ क्या काम है बहन? तुम क्या कर रहे हो? मैं ताड़ी पी रहा। ये ताड़ी क्या होती है? हाँ, वो एक तरह की हेल्थ ड्रिंक होती है। तुम्हारा फ्रेंड कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और तुम हेल्थ ड्रिंक पी रहे हो। फ्रेंड? कौन सा फ्रेंड? अरे वही क्लासमेट बोस। बोस कहाँ है वो? तुम्हारे दोस्त के साथ जैकी चैन की फिल्म देखने वुडलैंड में आई हूँ। मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ, आओगे ना? आ रहा हूँ बहन। ठीक है भाई। अरे सुनो सुनो, तुम्हारा वो फ्रेंड थोड़ा सा भुलक्कड़ है, याद दिलाने के लिए कुछ लेकर आना। वो हाथ में ही है। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी आ जाओ। बाय। चारू तो ग्रेट है। हम्म।
क्या हुआ चारू? लगता है तुम्हें ऑस्कर का नॉमिनेशन मिला। इस चारू के बारे में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सॉरी मैडम, 5 मिनट में लाइट्स ऑफ हो जाएंगे, फिर कुछ नहीं दिखने वाला। हेलो, जल गए? क्या समझते हो तुम्हें सरप्राइज दे सकते हो? मैं भी दे सकती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, क्या सरप्राइज है? बता दिया तो सरप्राइज कैसा? इट इज ऑन द वे, बस समझो आ ही गया। किस में आ रहा है? टाटा कॉलेज में? टाटा सुमो में। ए, कहाँ जा रहे हैं? अरे गेट खोलो। उसने यही जगह बताई थी। सुनो। अरे कहाँ? इस तरफ। यहाँ यहाँ। वो रही। ये रहो। आ गया सरप्राइज। हाय। हाय। मैंने कहा था ना। बैठ बैठो। अपने लवर को पिटवाने वाली शायद तुम पहली लड़की हो। तुम उसे कैसे जानती हो? जब मैं तुम्हें ढूंढ रही थी वो भी तुम्हें ढूंढ रहा था। जब मैं तुम्हें ढूंढ रही थी वो भी तुम्हें ढूंढ रहा था। हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ था कि जो भी तुम्हें पहले देखेगा वो दूसरे को बताएगा। जैसे उसके बिजनेस पार्टनर हो। बहुत अच्छा एग्रीमेंट था तुम्हारा। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? वो 5वीं तक मेरे साथ पढ़ा है और मेरी फोटोग्राफ लेके घूम रहा है, क्या ये मुमकिन है? हाँ, वो कैसे? तुमसे पूछ रहा हूँ मैं। ग्राफिक्स से डेवलप किया होगा शायद। हाँ, वो ग्राफिक्स यूज करेगा? अकल की बिल्कुल कच्ची। उसने मुझे सिस्टर कहा था इसीलिए उसकी मदद करने के लिए। हाँ, लेकिन वो मुझे मार भी सकता था। जरा चेहरा तो देखो, सरप्राइज दे रही थी तुम मुझे। ताड़ी पीने वालों से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो गई? ताड़ी क्या चीज होती है? हाँ, अब ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे। सॉरी। तुम्हारा हॉस्टल आ गया, उतरो। I'm sorry. संभल कर जाना, किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। ये कैसे हो सकता है? मुसीबत तो यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ। तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, अभी कहूँ? कहो। I love you. ये तो जरूरी था। अब मेरी इजाजत के बगैर कोई फोन कॉल नहीं करूँगी, कोई बातचीत नहीं। And be serious. लाओ अपना सेलफोन मुझे दो, समय बहुत हो गया, सो जाओ। तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? तुमने पूछा क्या है? मैंने कहा था ना, I love you. Me too. Good night. Yes. Thank you.
बोस बहुत सुना था और उससे उम्मीदें भी बहुत थी, लेकिन वो तो एक छोटा सा पटाखा निकला है। एक बार छू कर तो देखो, पता चल जाएगा कि पटाखा है या बॉम्ब है। चैलेंज मुझे? इस शेर को चैलेंज कर रहे हो? ए, सुन, मुझे होने से हर कोई शेर नहीं हो जाता शिवमा जी। अरे मुझे तो चूहे की भी होती है। भाई का ऑर्डर अगर मुझे मिल जाए तो तुम्हें अभी मसल कर इसी वक्त मिट्टी में मिला दूंगा। तुम ऑर्डर का इंतजार करते रहो, मैं किसी का ऑर्डर नहीं लेता, मेरा सोचना ही बहुत है। बोस, पहला आदमी जिसने दादा शिवमाजी से इस तरह की बात करने की हिम्मत की वो तुम हो। शिवमाजी तुम्हारा नाम हो तो सकता है, लेकिन दादा का टाइटल किस यूनिवर्सिटी ने तुम्हें दिया है? किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया, लेकिन भाई की कृपा से जब मैं मंत्री बन जाऊंगा ना तो यूनिवर्सिटी आदर से बुलाकर डॉक्टर की उपाधि देगी। और अफसोस उस वक्त तुम यहाँ नहीं, ऊपर होगे दूसरी दुनिया में। डॉक्टर शिवमाजी, इस शहर का कोई भी डॉक्टर अब तुम्हें नहीं बचा सकता। अब मैं तुम्हारी मौत की घंटी बजाने जा रहा हूँ। मौत की घंटी? और शिवमाजी के लिए? कितने लोगों की मौत की घंटी बजाई है इसे बताओ जरा। पानी में या जमीन पर? मूर्ख, दोनों जगह। 68 पानी में और 40 जमीन पर। वेटिंग लिस्ट कौन बताएगा, तेरी माँ? अभी तक 13 थे, इसको लेकर 14। सुनो, तो बराबरी करोगे आप? सुन लिया ना? ए, इसे बांध कर घसीटो। तो तुम कलाकार हो, काफी मजा आया देखकर। तुमने तो कलाकारी दिखा दी, अब मेरी कलाकारी तुम नहीं देखोगे? इस माझी का नाश शहर के सारे लोगों ने कई बार देखा है, सिर्फ तुम बचे थे। अब तुम भी देख लो, देखो रुद्र तांडव का मेरा नाश। तो देख लिया मेरा नाच? शिव माजी को मैंने खत्म कर दिया। बता, बता किसने मारा शिव माजी को? पता चला? हम कल से ही पता करने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा। किसी भी तरह से उनका मुंह खुलवाना होगा। शिव माजी को मारे 24 घंटे हो गए, ऊपर से कितना प्रेशर है, प्रेशर जानते हो? ऐसे जवाब से काम चलेगा? बाहर निकालो उन सबको, जाओ, मैं ही पता करता हूँ। ए, बाहर आओ, बाहर आओ, साहब बुला रहे हैं। तो मुंह नहीं खोलोगे तुम सब, लात खाकर बताओगे? तेरा नाम क्या है? शिवरमणी। घटना के समय कहाँ थे? शहर के बाहर। शहर के बाहर क्यों? काम से गया था। तेरे को सरकारी काम था है? सरकार से तेरे को पेंशन दिलवाऊंगा। बताओ सर, क्या हुआ सर? शिवमाजी का खून किसने किया? शिवमाजी का खून किसने किया? क्या उसका खून हो गया सर? शिवमाजी मर गया, तुम्हें पता ही नहीं? ये कैसे हो गया, मुझे कहाँ छोड़ गए? ये कुछ ज्यादा ही नाटक कर रहा है। नाटक बंद कर। शिवमाजी को किसने शूट किया बोलो? शिवमाजी को किसने शूट किया? उसको शूट कर दिया। हाँ, पर किसने शूट किया, किसने मारा उसे? उसको शूट कर दिया। यार ये एक ही बात क्यों दोहरा रहा है? ये कल से ही बस यही बकबक किए जा रहा है। अरे तुम तो बता दो। मुझ तो चूहे की भी होती है। क्या होती है? नाच तो अच्छी थी मगर नाचने की जगह नहीं थी। इन्हें छोड़ दीजिए सर, शिव मांझी को जब गोली लगी ये उसके साथी थे, ये सब डरे हुए हैं सर। आपको पता है शिव मांझी को गोली किसने मारी? सुना तो है सर, वीरू मांझी ने उसे गोली मारी है। वीरू मांझी ने? वीरू मांझी ने ही उसे मारा होगा।
वीरू माजी कबड्डी 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 हाँ वैसे हमारे साथ खेलने आए हो, मेरे लोग तो मुझे पकड़ नहीं पा रहे, तुम ही पकड़ कर दिखा दो। खेलना चाहते हो? खेलाता हूँ, शहर तुम्हारी वजह से जाम है और तुम कबड्डी खेल रहे हो। क्या बात है, मैं यहाँ कबड्डी खेलता हूँ और शहर जाम हो जाता है। ये बात हुई ना, क्या हमारा भाई हाईवे पर कबड्डी खेल रहा है जो तुम्हारा शहर जाम हो गया? अभी तो नहीं खेल रहे हो, लेकिन कल रात शिवमाजी के साथ तुम खेल रहे थे। इस तरह मत देखो, शिवमाजी का खून क्यों किया? मर गया। अरे शिव माझी सिधार गया। अच्छा नाटक करते हो, क्या सोचा था कि रात को खून कर दोगे तो हमारे डिपार्टमेंट को पता नहीं चलेगा? उसे मैंने मारा है, ये तुम्हें किसने बताया? ए, तुम कितना भी छुपाओ पुलिस को धोखा नहीं दे सकते। जब हमने शिव माझी के आदमी से पूछताछ की तो पता चला कि सेठ की वजह से तुमने शिव माझी को मारा है। तो उन्होंने इसे बता दिया? हाँ, मैंने ही शिव माझी को शूट किया है। उसका खून करना जरूरी था। हाँ भाई, अब क्या करोगे? अगर तुम्हारे बीच कोई प्रॉब्लम है तो शहर के बाहर एक दूसरे को मारो, शहर के अंदर तुम लोग कानून का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? वो इसलिए ताकि डर पैदा हो, ऐसी डर पैदा हो। इस वीरू माझी से हर किसी को डरना पड़ेगा। सुनो ऐसा ही, पकड़ के अंदर करो इसको। सर सर प्लीज, ये इसका एरिया है, इसको अरेस्ट किया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। क्या हुआ ऐसी? ऐसा ही क्या कह रहा है तुमसे? चलो भाग, चलो यहाँ से। ए, वीरू माझी, दो दिन की मोहलत देता हूँ, तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक वेपन है, एनकाउंटर। याद रखना मेरी बात, माइंड इट। क्या मुझे ले जाएगा? अपने साथ किसी लड़की को ले जा। ऐसी उसके पहले लेकिन मूंछ रख लेना, ठीक है? अरे भाई, कल तो पूरी रात मैं तुम्हारे साथ था, तुम हमसा के घर में थे, आखिर तुमने उसे कब मारा? अरे उसे मैंने नहीं मारा। हाँ। किसी और ने हमारे लिए मार दिया। हाँ। अब हम इसे ही मेंटेन रखेंगे। हाँ। अब तो तुम पूरे बंदरगाह के गॉड फादर बन गए। गॉड फादर? वो क्या? अरे वही डॉन। वो डॉन, बढ़िया फिल्म। हाँ। दिया। सुनो, यहाँ आने वाले हर माल का 5% कमीशन मुझे मिल जाना चाहिए, नहीं तो। भाई ये भी कोई कहने वाली बात है? अब तक शिवमाजी को देते थे, अब आपको देंगे, पैसा आपके पास खुद ब खुद पहुंच जाएगा। सही पैसा आना चाहिए, नहीं तो मछलियों की जगह शिप में तुम हो गए। जा। हेलो भाई, दिल्ली से कुंदर परमार का फोन है। लगता है खबर दिल्ली तक पहुंच गई है। तो आपको हमारी याद आ ही गई। ए, तुझे फोन किया यही बड़ी बात है। शिवबांजी को मारने के लिए तुझे किसने बोला था? वो क्या है कि जो जानवर जल में रहते हैं वो कभी भी मगर से बैर नहीं करते, नहीं तो ये तो जानते ही हैं कि उनका क्या हश्र होता है। अरे बेवकूफ, तुमने उसे ऐसे वक्त मारा जब वो मेरा एक जरूरी काम कर रहा था। अरे तो चिंता क्यों कर रहे हैं? शिव माझी के कंट्रोल में जो हार्बर और शहर हुआ करता था अब मेरे कंट्रोल में है। आपका काम मैं करूंगा ना, कहिए तो करना क्या है। बोस को पकड़ कर यहाँ भेजो। जिसे भी पकड़ना है उसकी फोटो भेज दीजिए और देखिए वो कैसे पहुँचता है। बचकर रहना, शिव माझी ने भी उसकी फोटो मंगाई थी, खुद फोटो बनकर रह गया। जानते हैं ऐसा कोई नहीं है जो मुझे छूकर जिंदा रहे। उसे तुम जल्दी जान जाओगे, उसका नाम है बोस और उसे पकड़ोगे तुम। उसे पकड़ने के बाद मुझे फोन करो, वरना तेरी भी फोटो लगवा दूंगा। देखो मैं उसका दोस्त नहीं हूँ, उसे पकड़ने पर मुझे 50,000 रुपए मिलने वाले थे, इसलिए मैंने ऐसा किया। कौन तुम्हें पैसे देने वाला था? नहीं जानता कौन है वो, और सिर्फ मैं ही नहीं 40-50 लोग उसकी फोटो लेकर उसे ढूंढते फिर रहे हैं। अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो उसे जरूर मार डालेंगे। जाने अनजाने में तुमने मुझे अपना भाई कहा और मैंने तुम्हें बहन कहा,
इस नाते से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, उसके साथ घूमना फिरना बंद कर दो। तुम्हें उसके साथ देख लिया तो वो लोग देखना तुम्हें भी मार डालेंगे। तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बता दिया, अब तुम जानो। तुम्हें मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी ना, तो फिर आप चुप क्यों? हे, क्या हुआ? टॉक समथिंग यार। प्यार क्या होता है बोस? तुम चुप ही ठीक थी। कहो ना बोस, क्या होता है प्यार? प्यार होता है एक दूसरे से सच बोलना। हम एक दूसरे से सच बोलते हैं? नहीं बोलते। मुझे ऐसा नहीं लगता तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। नहीं, कुछ नहीं छिपा रहा हूँ। नहीं छुपा रहे हो तुम, जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हो। नहीं तो एक गुंडा मुझसे नहीं कहता कि बोस से प्यार मत करो, उसके साथ घूमना बंद कर दो। इतना ही नहीं, शहर भर के गुंडे तुम्हारी फोटो लेकर तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्यों? अरे मुझे क्या मालूम, हो सकता मेरे चाहने वाले होंगे। मजाक मत करो बोस, तुम्हें कुछ हो ना जाए मुझे बहुत डर लगता है। घबराओ मत, कुछ नहीं होगा मुझे। मेरी फोटो अगर उनके पास है तो परेशानी में मैं नहीं, वो लोग हैं। इसका मतलब कोई परेशानी है, मानते हो ना? हाँ मानता हूँ। क्या है वो? तुम ना जानो तो अच्छा है। क्यों? तुम भी परेशान हो जाओगी। अगर नहीं जानूंगी तो परेशान रहूंगी। चलो बताओ क्या है तुम्हारे और उनके बीच? वो मेरे और उनके बीच नहीं है, बल्कि एक मिनिस्टर और एक कमांडो के बीच है, अगस्त 11th, और वो भी तुम्हारे सामने की ही बात है। तो वो कुंदन परमार है? यस, जिसे शूट किया था वही परमार। उसके लोग अब मुझे ढूंढ रहे हैं, तुम्हें अवॉइड करने की एक वो भी वजह है। उसने गलती की, तुमने शूट किया। मिनिस्टर को शूट करने के आरोप में मुझे आर्मी से बाहर कर दिया। अब तुम आर्मी में नहीं हो? नहीं हूं, आई एम कोर्ट मार्शल। भूल जाओ चारू, हम कर ही क्या सकते हैं। इतना कुछ हो गया मेरी वजह से? छी छी, इसके लिए तुम जिम्मेदार बिल्कुल नहीं हो, बल्कि इस वजह से तुम मुझे मिली। चारू, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। मैं कह रहा था कि प्लीज। ओके। एक लड़की यहाँ पे बैठी हुई थी, वो कहाँ गई? वो जो अभी आपके साथ बैठी हुई थी, वो तो रोते हुए उस तरफ गई, मैंने देखा उन्हें। चारू अंदर है? चारू, वो 2 बजे चली गई, कह रही थी तबीयत नहीं ठीक है। वो तो सुबह के ही निकली हुई हैं, लेकिन अभी तक लौटी नहीं सर। आओ बोस। बोस। हाँ? क्या हुआ, काफी देर कर दी। हाथ पैर धोकर आओ, खाना खाएंगे। भूख नहीं है माँ, अभी नहीं खाऊंगा। क्या बात है, थके हुए लग रहे हो। कहा ना माँ, हमेशा जैसा हूँ। हंसकर धोखा मत दो, माँ की नजरों से कुछ नहीं छुपता। तुम्हारा कुछ खो गया है क्या? हाँ माँ, अपनी होने वाली पत्नी को मैंने खो दिया है। बेटा जरा मोमबत्ती तो लेकर आना। ये कैसे हुआ माँ? एडवोकेट विनायक शर्मा का घर यही है? हाँ बेटा। क्या हुआ? एक केस करना है मुझे।
किस पर? आर्मी पर। आर्मी पर? आर्मी पर, उस पर मुकदमा करना है। क्यों मुकदमा करना है? लास्ट मंथ 11 अगस्त को एक फेस्टिवल के लिए मैं दिल्ली गई थी, वहाँ एक मिनिस्टर ने मुझे रेप करने की कोशिश की, उसके सिक्योरिटी के कमांडिंग ऑफिसर ने उसे शूट करके मुझे बचा लिया। ऑफिसर का नाम? बोस। बोस? मिनिस्टर को शूट किया तो बोस को डिसमिस कर दिया। गलती मिनिस्टर की, सजा बोस को। ये तो गलत है ना? बोस अगर गलत है तो आर्मी भी गलत है, और तब गवर्नमेंट भी गलत है। इसलिए आर्मी पर मुझे मुकदमा करना है। बा काउंसिल से जब मैंने ईमानदार वकील का पता पूछा तो उन्होंने आपके पास भेजा। प्लीज सर, अब ये केस आप ले लीजिए ना, प्लीज। वो तो ठीक है, पर जब एक लड़की कोर्ट में खड़ी होकर मिनिस्टर पर व्यभिचार का आरोप लगाएगी तो वकील तुमसे कई गंदे सवाल करेंगे, पेपर भी तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे, फ्यूचर खराब हो सकता है। सोच कर देख लो। इसमें सोचना कैसा सर, अपने बारे में सोचे बगैर बोस ने मुझे बचाया, उसे दोबारा कमांडो बनाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ सर। कुछ खोने की जरूरत नहीं है, क्या हम अपनी होने वाली बहू को बेइज्जत होने देंगे? सॉरी बेटा। आप लोग हमारे अफेयर के बारे में जान गए? वो जानना पड़ता है। अक्सर होता यूं है कि प्यार कैसे बढ़े ये प्लान होता है, लेकिन तुमने अपनी प्रेमिका को घर बुला लिया। अरे नहीं भैया, ड्रामा अच्छा था, तुम लोग खुश रहो। हे बोस, ये तो नहीं जानता कि मेरी वकालत कैसी है, लेकिन तुम्हारे काम की निकली। ग्रेट बोस, इस बात से मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि ये यहाँ पर रहे, लेकिन ये ख्याल रखना अगर टेरेस पर कोई नहीं है तो तुम दोनों वहां नहीं जाओगे। उसी तरह से घर के अंदर तुम दोनों सेलफोन पर बातें नहीं करोगे। ए, एक बात और है, तुम दोनों कभी सपने में भी डुएट सॉन्ग गाने के बारे में मत सोचना, उसमें भी वो ऊट पटांग रैप सॉन्ग। हर किसी का कहना है वो नहीं जानता। ए, इसे पहचानते हो? नहीं। दिख जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? क्यों? क्योंकि मैं भी उसे ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं कितने लोग उसे ढूंढ रहे हैं। लो, छुट्टे लौटाओ। नमस्ते, शायद आपको कहीं देखा है। यही पास में रहती हूँ। वही सोच रहा था कहाँ देखा है। माजी, आपने इसे कहीं देखा है? क्या कह रहे हो, तुम इसकी माँ से ही पूछ रहे हो। दीजिए, मुझे दीजिए, मैं ले चलता हूँ। माजी, दीजिए ना। तुम कौन हो और मेरे बेटे की फोटो लेकर क्यों घूम रहे हो? ओ, मैं वहाँ बोस के साथ काम करता हूँ। वहाँ आर्मी में? हाँ माजी। हाँ, वो तो कमांडो है, तुम क्या हो? मैं वो डिमांडो हूँ। क्या डिमांडो? वो क्या है? जब वो आतंकवादी प्लेन हाईजेक करके डिमांड रखते हैं तो हम ही बचाव के लिए जाते हैं वहाँ, इसलिए हमको डिमांडो कहते हैं। हाँ। तुम उसके दोस्त हो तो फोटो लेकर बोस को हर जगह सड़कों पर क्यों ढूंढ रहे हो? उसने मुझसे कहा था कि जब मैं उसके शहर में आऊँ तो उसके घर जरूर आऊँ। अच्छा। जानता हूँ इसी एरिया में, लेकिन उसका कौन सा घर है नहीं जानता, इसलिए फोटो दिखाकर पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये बात है, यही है घर, ये वाला। तो आप ये लीजिए, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तुम यहीं से लौटकर क्यों जा रहे हो? कम से कम कॉफी तो पीकर जाओ। किसी से मुझे 50,000 रुपए लेने, वो लेकर मैं आता हूँ। मुझ पर नाराज हो जाएगा, चलो तुम अंदर चलो। वो आप पर नाराज होगा, मुझे तो पीट डालेगा। ए, जाकर कॉफी क्यों नहीं पीते? हाँ। ये अच्छी कॉफी बनाती है। वो क्यों पीछे पड़ रहा है? चलो, अरे कहाँ ले जा रही है मुझे? माजी, छोड़ दीजिए मुझे। तो ढूंढ रहे थे। मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं फंस गया। यहाँ बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। एक कमांडो, एक कमांडो, तू मत आओ। बच्चों के हाथ के पिस्तौल, पूरा खानदानी कमांडो है, भागने में ही भलाई है, यहाँ से चलता हूँ। लो बेटा, कॉफी पियो। नहीं नहीं माँ जी, मैं बाद में आकर पी लूँगा, चलता हूँ मैं। पी तो पी लो, बोस के आने का टाइम हो गया है। नहीं, मुझे काम है। कौन हो तुम? मैंने कहा था ना माँ, ये पूछेगा कि मैं कौन हूँ। ए बोस, इसे नहीं पहचान रहे हो? डिमांडो है ये, तुम्हारा दोस्त है पुराना। हे डिमांडो, कैसे हो तुम? आधे घंटे में जान जाओगे तुम। मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, भाग जाओ, अगर पकड़ में आ गए तो बचोगे नहीं।
यही मैं तुमसे कह रहा हूँ, वहाँ पहुँचने से पहले मुझे पकड़ लो, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। पहले पहुँच कर तो दिखाओ। ये क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो तुम दोनों? ये आर्मी की खुफिया बातें हैं बाजी। अंदर आकर बातें कर लो, दरवाजा बंद कर दूंगी। ये माँ बेटा मिलकर मुझे अंदर दफना देंगे। याद है आर्मी में हम लोग एक दूसरे को भगाने का खेल खेलते थे? अभी खेलना है क्या? भागने को तो मैं कब से तैयार हूँ। तो भागो, तो पकड़ो। हेलो भाई, टोनी बोल रहा हूँ। क्या है रे? बोस को पकड़ लिया है मैंने। बोस को पकड़ लिया? हाँ भाई। कहाँ रखा उसे? अपनी फैक्ट्री में रखा है। टोनी, ए टोनी, इधर आ रहा तू? अरे बेहूदे, मैंने तो सोचा था तुमने उसे लटका रखा होगा, और तुम खुद लटक रहे हो। मुझे इस तरह चमगादड़ की तरह लटका कर वो आर्नोल्ड की तरह ऊपर खड़ा है। ए मिलिट्री, तू हमें धमका रहा है? मेरे आदमी को लटका दोगे तो मैं डर जाऊंगा। वीरू माझी ने किस तरह से शिव माझी को मारा था पेपर में नहीं पढ़ा? पढ़ा था, किसी और ने उसे शूट किया, तुमने अपना नाम दिया, ये भी पढ़ा है। भाई, तुम शिव माझी को सिर्फ पेपर पर मार सकते हो, मैंने उसे सच में मारा है, माथे पे गोली मारी थी। अरे बाप रे, तुमने मारा था? भाई ये बहुत जालिम इंसान है, हम सबको गोली मार देगा। मुझे नीचे उतारो भाई, हम सबको भागना होगा भाई। उतारो भाई, उतारो भाई। दूसरों को हम जैसे गुंडों से डरने की जरूरत है, हम गुंडों को डरने की जरूरत नहीं। शिव माझी को तुमने मारा होगा, लेकिन तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। Oh!
नहीं बॉस, मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ किया तो ये देश मुझे माफ नहीं करेगा। तुम एक गुंडे हो। जिस मंत्री ने तुम्हें भेजा है वो एक गुंडा है। उसके आसपास के लोग गुंडे हैं। हर तरफ गुंडागर्दी और आतंकवाद का कचरा फैला हुआ है। इस शहर को चलाने वाले शिव माझी और वीरू माझी जैसे लोग हैं। सुनो बॉस, मुझे एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा, बदल जाऊंगा मैं। ये वादा है? हाँ वादा है। तो बदल जाओ और अगला जन्म एक मनुष्य की तरह लेना। अलविदा। इस देश को चलाने वाली है इस देश की जनता, शिव माझी और वीरू माझी नहीं। गांधी अभी तक नहीं आया क्या? नहीं, टाइम तो हो गया है। पेंसिल बॉक्स कहाँ है? दो ना। बाय बाय। जल्दी करो, बस आ गई है, चलो चलो। हेलो, बोल रही हूँ। कब? कहाँ? नहीं। माँ क्या हुआ? माँ 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 क्या हुआ? माँ क्या हुआ? अरे बताओ, क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? लेकिन बताओ तो सही, क्या हुआ? किसी ने हमला किया है, वो हॉस्पिटल में है। घबराओ मत, घबराओ मत माँ, कुछ नहीं होगा। क्या हुआ उलांदी? तुम अंदर आओ। हेलो, नहीं रुकिए, नहीं रुकिए। देखिए, हम गांधीराम के परिवार वाले हैं, हमें अंदर जाने दीजिए, हमें प्लीज अंदर जाने दीजिए। देखिए, हमें रुकिए मत, आप बाहर रहिए। मैं एमएलए हूँ। सर, क्या हाल है? गांधीराम कैसा है? ठीक है सर। श्याम पांडे, वो भी ठीक है। विजय गुप्ता की ब्लीडिंग बंद हुई? जी बंद हो गई। लो, अरे इन सबको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल गई? पता नहीं सर। हटिए, हटिए, हटिए। सवाल का जवाब तो देते जाइए। हाँ। सर, आखिर शहर में हो क्या रहा है? बकरियाँ चल रही हैं, गायें चल रही हैं, जेमिनी सर्कस का शो हो रहा है, और क्या होना चाहिए? सर, हमारे एक सवाल का जवाब तो देते जाइए सर, प्लीज सर। सर, आपको क्या लगता है? सर देखिए सर, एक सवाल का जवाब दीजिए आप। कौन थे वो? कौन मारे गए? वीआईपी थे क्या? गुंडे मारे गए और आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं? सर, वो गुंडे थे लेकिन इंसान भी थे। कौन हो? कहाँ से आए हो? ह्यूमन राइट कमीशन से आए हो? सर, उनसे भी पावरफुल मीडिया वाले हैं। सर, हम लोगों को हकीकत से वाकिफ करवा। जवाब दीजिए सर। जवाब चाहिए सर, हमें हमारी तरफ से जवाब चाहिए, जवाब देना ही होगा। ठीक है, जल्दी पूछिए। सर, शिव माझी को किसने मारा और पुलिस पर हमला किसने किया? शिव माझी को किसने मारा, पुलिस पर किसने हमला किया, यही जानना है? हाँ सर। शूट करने वाला यहीं पर मौजूद है, आइए दिखाता हूं। कांग्रेट्स गांधीराम, लेटर रहो, लेटर रहो। मीडिया पीपल इधर आइए। पापा, आप ठीक तो है ना? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, शहर के दादा शिव मांझी और वीरू मांझी को मारने वाला और कोई नहीं, हमारी पुलिस फोर्स है। मेरी प्लानिंग पर चलते हुए एसआई विजय गुप्ता और कांस्टेबल गांधीराम ने उनका एनकाउंटर किया। जब हमने शिव मांझी को शूट किया तो वीरू मांझी ने उसे मारने की जिम्मेदारी ले ली। कल शाम एक हफ्ते की कड़ी मेहनत के बाद एनकाउंटर समाप्त हुआ। उसके बारे में एसआई विजय गुप्ता और गांधीराम बताएंगे। आइए आइए सर। ये एनकाउंटर कैसे हुआ, हमें बताएंगे? मैं बहुत थका हुआ हूँ, आप एसआई विनोद गुप्ता जी से पूछ लीजिए प्लीज। तुम बताओ भाई। सर, इन्हें वही बताओ जो हुआ। और नहीं तो क्या, नहीं तो कोई तीसरा उसे शूट करने का क्लेम कर देगा। वो क्या है, हमें सूचना मिली थी कि कल शाम वीरू माझी और उसके आदमी वारावट्टी बिल्डिंग में छुपे हुए हैं, और हमारे दल में 36 लोग थे तो हमने बिल्डिंग को घेर लिया और फिर हमने उसे वार्न किया, लेकिन उसने अपनी राइफल से गांधी का हाथ काट दिया। क्या, राइफल से काट दिया? लगता है इसका दिमाग सिर पर लगी चोट की वजह से काम नहीं कर रहा है। सुनो, ठीक से सुनाओ ना क्या हुआ था। जी जी सर, और तब हमने अपने डिफेंस में उन पर गोलियां चलाई। हाँ बिल्कुल, हमने शूट किया। कंग्रेचुलेशन सर, जनता से आप कुछ कहना चाहेंगे? जनता से तो नहीं, गुंडों से जरूर कहूंगा। इस शहर में या तो गुंडे रहेंगे या फिर मैं। अरे हट, गुंडे वही रहेंगे, तुम नहीं रहोगे। सर, सर, आप
क्या कर रहे हैं? अरे छोड़ 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 मुझे छोड़ छोड़ मैंने तुझे छोड़ मुझे छोड़ मुझे आप ऐसे नहीं जा सकते सर क्या मैंने कब और डालूंगा तुझे कुंदन हट सर तुम क्या चाहते हो मैं चुपचाप बैठ कर ये इंटरव्यू देखता रहूं मैं नहीं देख सकता हट पानी सर से ऊपर चढ़ गया है कुंदन सुनो हम देख लेंगे क्या कर लोगे तुम भोज करने के लिए दूसरे को भेजो लेकिन किसी को मारने के लिए खुद जाना जरूरी है अब वक्त आ गया कि मैं खुद जाके अपने हाथों से उसे मार डालूंगा कम से कम मिनट में एयरपोर्ट पहुंचना है मुझे अगली फ्लाइट से चेन्नई जाने की व्यवस्था करो चलो जल्दी सर आपकी कंडीशन ठीक नहीं है कंडीशन की बात करेगा तो मैं तेरी कंडीशन यहाँ खराब कर दूंगा तू कभी चेन्नई गया है कभी किसी आदमी को कटते देखा है नहीं तो मेरी चेन्नई आ जा तेरे को दोनों ही दिखा दूंगा वाह बंधु वाह बिना बताए तुम यहाँ चले आए और तुम बिना बताए क्या बकवास किए जा रहे हो गया चलो शिव माजी वीरू माजी को मारने के लिए किससे कहा था गुंडों को मारोगे मैं भी तो गुंडा हूँ मारो मुझे तू भी तो गुंडा है खुद को मार चिल्ला क्यों रहे हो तुम पब्लिक प्लेस में हो तो क्या हुआ तूने भी तो पब्लिक प्लेस में शूट किया है अरे नहीं भाई एक मिनट जरा अकेले में आओ कुछ बताना है नहीं क्यों तू तो मेरा भी एनकाउंटर कर देगा बाजू में लेके क्या कह रहे हो ये बात नहीं है नहीं मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है एक मिनट आओ शिव माजी और वीरू माजी को हमने नहीं मारा था हमारे ऊपर डिपार्टमेंट का प्रेशर था प्रेशर इसलिए हमने एनकाउंटर लिखकर उन दोनों की फाइल को क्लोज कर दिया वही मैं सोच रहा था अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा नहीं जानता इसका मतलब उसी ने उन्हें मारा है किसने उसके बारे में तुम्हें शुरू से बताना होगा अभी चलो बाद में बताता हूं कुंदन तुम्हें हुआ क्या है तुमने कभी किसी लड़की की ख्वाहिश की है हाथ में आई लड़की को किसी ने तुमसे छीना है तो फिर तुम क्या जानोगे उस वक्त क्या फीलिंग्स होती है मुंह बंद रखो और देखते रहो तो वही है रोको गाड़ी रोक पागल हो गए हो तीन गाड़ियां आगे हैं पांच पीछे कैसे रोकेगा वो गाड़ी अरे उसे रोकने के लिए बोलना ये मत नहीं तो आपके टाके टूट जाएंगे अरे छोड़ो ये टाके भी तो उसने दिए उसे छोड़ूंगा नहीं तुम्हें बोला ना गाड़ी रोक लेकिन वो कौन है अरे वही वही बोस उस लड़की के साथ वहाँ खड़ा था मुझे चाहिए वो कौन सा बोस अरे ये वाला बोस वो वाला बोस ठीक है मैं देखता हूँ मैं उसे पकड़ लूंगा फोन कर उसे हाँ क्या हुआ सर हाँ एसी पिछले बस स्टॉप के पास ब्लैक मोटरसाइकिल पर ऑरेंज टी शर्ट पहना है ऑरेंज मोटरसाइकिल पर ओ हाँ ब्लैक मोटरसाइकिल ऑरेंज टी शर्ट सुनो उन दोनों को पकड़ कर गेस्ट हाउस में 5 मिनट में ले आओ तुरंत 5 मिनट में ले आओ सुनो टर्न करो जल्दी यू टर्न करो हटाओ तुम लोगों को पता नहीं मैं टेंशन में हूँ किसने बुलाया इन सबको यहाँ मैंने बुलाया भाई राजनीति में नारेबाजी तो होती रहती है इसमें टेंशन क्यों लेते हो कुंदन पार्टी के लोगों के सामने इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो जो भी कहना है अंदर चलकर कहो मैं अंदर जाऊंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा मेरे टाके खुल जाएंगे यही बैठूंगा अंदर नहीं जाऊंगा जब तक वो मिल नहीं जाते जल्दी से ले आओ उसे जब तक बॉस नहीं मिलेगा मैं यही बैठा रहूंगा अंदर नहीं जाऊंगा मिल गया क्या हुआ मिल गया क्या वो मिल गए एक नहीं चार स्कॉटलैंड पुलिस के बाद हम ही हैं क्या मतलब है खुद ही देख लीजिए ये सब कौन है ये सब ऑरेंज ड्रेस में उसी जगह खड़े थे जहां आपने बताया था मुझे पता नहीं था कौन चाहिए इसलिए इन सबको पकड़ कर ले आया क्या बोलते हैं अच्छा हुआ इसे रेलवे स्टेशन नहीं भेजा नहीं तो सभी कुलियों को पकड़ कर ले आता बताओ तुझे एसीपी किसने बनाया आप ही ने सर तो मेरे सर पे चढ़ के बैठेगा क्या भाड़ में गया तेरा स्कॉटलैंड और नागालैंड क्यों उसमें सर हमें क्यों पकड़ा गया वो क्या है कि मैं वोट लेने के लिए आपके पास नहीं आ सकता इसीलिए आपको ही अपने पास बुलवा लिया नेक्स्ट इलेक्शन में मुझे ही वोट दीजिएगा वोट तो मैं दे दूंगा लेकिन मुझे क्या मिलेगा गलती मेरी थी उसे पकड़ने के लिए तुझे भेजा टेंशन क्यों ले रहे हो यार तुम्हारी सरकार गिरने पर भी तुम्हें शांत रहना चाहिए सरकार गिर जाएगी तो 5 साल बाद फिर बना लूंगा लेकिन उसने जो छीना है वो फिर नहीं ला सकता शाकिर ये करने की हिम्मत किसने की एसी वो एक मिलिट्री का आदमी है नाम है बोस अभी वो इसी शहर में है इस शहर के ऐसे घरों का एक लिस्ट तैयार करो जिनके परिवार का कोई ना कोई आर्मी में काम करता है तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ
अगले 24 घंटे के अंदर बोस तुम्हारे सामने होगा। चलता हूँ, जल्दी आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। ये क्या है कुंदन, एग्जीबिशन है, दिखाते रहते हो हैं? इतना इमोशनल क्यों हो रहे हो? जाओ आराम करो, जाओ अब, बात मानो मेरी। हे, वेलकम कुंदन परमार। सिग्नल पे सिर्फ तुमने मुझे नहीं देखा था, मैंने भी तुम्हें देखा था। तुम्हारी गलती पर मैंने तुम पर गोली चलाई और मेरी नौकरी चली गई, मामला खत्म हो गया। मेरी सगाई है 2 दिन के बाद और मैं अपने परिवार के साथ सेटल हो जाऊंगा। तुम भी सीएम बन जाओगे, सुधर जाओ, देश की सेवा करो। लेकिन तुम अगर इस तरह से मेरी फोटो बांटते रहे तो तुम्हारी फोटो पर जल्दी ही लोग हार चढ़ा रहे होंगे। बॉस बहुत काबिल हो क्या तुम? मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बाहर निकलते ही कमांडो जुड़ा डालेंगे। अंदर आया हूं तो बाहर भी चला जाऊंगा, अब देखो मैं कैसे निकलता हूं। अब चिल्लाओ। सिक्योरिटी कमांडर, कमांडर सिक्योरिटी। कोई नहीं है? अरे कहां गए सब? वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, वेद प्रकाश, कुंडन, कुंडन, वेद प्रकाश। क्या हुआ कुंडन? थूको मेरे मुंह पर, थूको। थूको मुंह पर? थूको बोला ना, थूको, थूक। मैंने नहीं थूका। जाओ बोला, जाओ जाओ। क्या है ये कुंडन? जाओ। शहर में क्या हो रहा है बोस? रूल्स एंड रेगुलेशंस का कोई मतलब नहीं रहा सर, गुंडागर्दी बढ़ रही है। उसके आगे? और इसीलिए पुलिस उनका एनकाउंटर कर रही है सर। पब्लिक विश्वास कर लेगी लेकिन मैं नहीं करूंगा। सिटी पुलिस को आरबी मेथड का पता नहीं है, वो हेडशॉट का इस्तेमाल कैसे करेगी? आप कहना क्या चाहते हैं सर, मैं समझा नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ, तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें जो कुछ सिखाया है वो बेकार नहीं होगा, उसका तुम इस तरह इस्तेमाल कर रहे हो। सर शहर के अंदर दादाओं को शूट किया जा रहा है, वो भी हेडशॉट मेथड से, ऐसा रिपोर्ट कहती है। पूरे भारत में सिर्फ 5 ही एक्सपर्ट्स हैं और उनमें 2 चेन्नई में हैं, एक मैं, दूसरे तुम। मैंने उन्हें शूट नहीं किया तो फिर? मैंने शूट किया था लेकिन मैं उन्हें शूट करने नहीं गया था सर। जो मेरे पास आया मैंने उसे शूट किया, आगे भी कोई मेरे सामने आएगा मैं शूट करूंगा। अपराध रोकने के लिए पुलिस मौजूद है बोस, कभी कभी पुलिस से भी गलती हो जाती है। हर बात का जवाब मत दिया करो, हम तुम्हें दोबारा आर्मी में लेने की कोशिश में लगे हैं और तुम हो कि तुम्हारा कोर्ट मार्शल होने के बाद आर्मी चुप नहीं बैठी है। एक बेहतरीन कमांडो ने मिनिस्टर को शूट करने का कारण क्यों नहीं बताया, ये जानने के लिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, मिनिस्टर कुंदन परमार की किडनैपिंग के पीछे दरअसल आज के दिन भी, आज तो आपको घर पर रहना चाहिए ना। एक जरूरी फोन आया था, स्टेशन पर बुलाया है, जाता हूँ मैं। जाता हूँ क्या बोल रहे हैं, वापस आ रहा हूँ कहकर जाना चाहिए, ये भी ना। कहाँ है वो? आओ बंधु। कहाँ है वो? देखा नहीं तुमने, बाहर ही तो बैठा है, तुम बैठो, मैं बुलवाता हूँ।
मिस्टर गांधीराम डिपार्टमेंट के एक ईमानदार आदमी है। नमस्ते सर। तो बताइए मिस्टर गांधीराम, आप कुछ कह रहे हैं ये बता रहे थे? जी सर, मेरे बेटे ने शिवमाजी वीरूमाजी का खून किया है, उसे अरेस्ट करना होगा। अब ये कैसे होगा, ये कहने के बाद कि तुमने उसे एनकाउंटर में मारा? बिल्कुल गलत, ये जानते हुए कि ये खूनी है, वो उसे अपने घर में तो नहीं रखने वाला हूँ। लेकिन वो कोई अपराधी तो नहीं है, उसने किसको मारा है? स्वतंत्रता सेनानियों को, पब्लिक को सताने वाले दो गुंडों को, जो काम तुम्हारे डिपार्टमेंट का था वो उसने किया। बेटा होते हुए भी उसे अरेस्ट करने की सोची, मुझे बहुत खुशी हुई। आपके कहने का मतलब वो गलत नहीं है? बिल्कुल नहीं। आपकी ये बात समझ में नहीं आई सर। ये तो ऐसे उलझन में है जैसे निंदा प्रस्ताव की वोटिंग के दौरान ट्रेजरी बेंच का एमएलए होता है ना ऐसी? तो मैं अब क्या करूं सर? घर जाकर पान चबाओ। इसने बताया कि तुम्हारे घर पे कोई फंक्शन है? जी सर, आज मेरे बेटे की सगाई है। तो जाओ उनके साथ रहो, अच्छा होना अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें इसका इनाम बहुत जल्द मिल जाएगा, जाओ दूर चले जाओ। थैंक यू सर। मुझे भी देखना है। बोस, ये देखो, जरा देखो किसका फोन है। डांस कर रहा हूँ, देखो ना। हेलो। और बेटे क्या हाल चाल है? hey, कुंदन। आवाज पहचान गए, क्या दिमाग है। अब क्या चाहिए तुम्हें? तुम बहुत खुश होगे ना आज, जरा मुड़कर तो एक बार देखो, तुम्हारे पापा है वहाँ। hey, hey, कुंदन। hey, कुंदन क्या मतलब है? उनको ढूंढना शुरू कर दो। hey, कुंदन, लड़ाई हम दोनों के बीच में है, पापा को क्यों बीच में लाते हो? बुरी बात है, इस उम्र में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। पापा कहाँ हैं? देखो इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, उस शिव माजी और वीरू माजी के गुंडे लोग उन्हें मारने के लिए पीछे पड़े हैं। दया आ रही है मुझे तो। ए, पापा कहाँ हैं? बताओ। जॉन्स रोड में, बचा सकता है तो बचा ले। ऑटो, किसी पुलिस वाले को भागते हुए देखा क्या? एक पुलिस वाला और कुछ गुंडे इस तरफ भागते हुए गए। आजकल तो गुंडे ही पुलिस वालों को दौड़ाने लगे हैं। कमाल का टाइम आ गया है भाई। वो किस तरफ गए? किस तरफ गए? वो सब इसी तरफ गए सर। कुंदन, हेलो। मिले क्या? दौड़ते दौड़ते बहुत थक चुके होंगे कुंदन। वो क्या है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। मिले नहीं? शिव माजी को जहाँ तुमने मारा था वही वो उन्हें मार रहे होंगे। कुंदन, वही वही ढूंढो उन्हें। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। पापा, पापा, पापा ठीक हो जाएंगे। कोई मदद करो, कोई मदद करो मेरी, कोई मदद करो मेरी। पापा, पापा मैं आ गया, पापा को कुछ नहीं होगा। पापा, 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 पापा। Baba
सारे क्या हो गया, हमारे पापा हमें अकेला छोड़कर चले गए। मत रो, मत रो। मार डाला इन्हें। जानते हो ना, अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, और ये तो हर कोई जानता है। इंडिया में गांधी नाम के व्यक्ति के साथ यही होता है। बैठ, बैठ जा। इधर आओ। जानते हो ये कौन है? दादाजी। यही जानते हो? अब बैठे बैठे बैठे। दादाजी नहीं, नेताजी, INA मेंबर, अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। और इन्हें जानते हो? ये गांधीराम। अच्छे, साधारण पुलिस वाला नहीं था, इस शहर पर राज करने वाले शिवमाजी और वीरूमाजी का एनकाउंटर इसी ने किया था। इन्हें तुम जानते हो या नहीं? MLA है। हाँ, नहीं आप बैठे बैठे बैठे। और ये बोगस वोटिंग से MLA नहीं बने, असली वोट से MLA बने। सारी दुनिया जब कार में घूमती है तो ये अभी भी साइकिल पर ही चल रहे हैं। जब तुम ऐसे महान परिवार को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आम जनता को क्या सिक्योरिटी दोगे? ACP, तुम रिजर्व पुलिस तैनात करो, आर्मी को बुलाओ, या फिर खुद यहाँ खड़े रहकर इनकी पहरेदारी करो, लेकिन इस परिवार को पूरी सुरक्षा दो, क्योंकि इस परिवार के साथ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बोस, सॉरी बोस, तुम्हारा खेल खत्म हो गया और मेरा खेल शुरू हो गया। तुम कुंदन परमार को नहीं जानते, पता नहीं कब क्या कर जाए। अब पता चल जाएगा। तुम्हें कहानी सुनाता हूं। एक बंदर की पूंछ में आग लगा दी तो पूरे शहर को जला दिया, लेकिन तुमने जहां आग लगाई थी वो कोई पूंछ नहीं थी बोस। बोस, दर्द हो रहा है, अभी भी दर्द हो रहा है। तुम्हारे परिवार में अभी 13 लोग बाकी हैं और मैंने 13 हार खरीद लिए हैं। घोर क्या रहा है, मारेगा मुझे, मुझे शूट करेगा? तू कुछ भी नहीं कर सकता। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो मेरे कमांडोस तुझे उड़ा देंगे। शिव जी का तांडव तो देखा होगा, अब परमार का तांडव देख। उसके लिए श्रृंगार और मेरे लिए दुत्कार। उसे मैंने मारा और तुम्हारे ससुर की मौत की वजह वो बोस नहीं, तू है। तू ही है। रुक जाओ। बोस, मैयत वाले घर में ये नहीं कहते मैं वापस आऊंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि 13 हार खरीदे हैं। मैं आऊंगा, मैं रोज आऊंगा, आता रहूंगा। मैं मिलते हैं, बाय। हाय बॉस, क्रियाक्रम हो गया? अब तो रोज एक क्रियाक्रम होगा। एक बात और, जरा अपने परिवार के लोगों को गिनकर बताओ, दो कम होंगे। समझे नहीं? एक है तुम्हारे पापा और दूसरी है तुम्हारी, ढूंढो मत, तुम्हारी चारू। नहीं नहीं, मेरी चारू, मैं उसे उठा लाया। आज चारू है, कल कौन होगा, कौन जानता है।
तुम्हारे परिवार में अभी भी 13 लोग हैं और मैंने 13 हार खरीदे हैं। भैया चारू इज मिसिंग, जल्दी घर आओ, पीछे के दरवाजे से आना, तुरंत वैन लेकर आना, कम फास्ट। बॉस क्या हुआ? भैया भाभी भैया ए चलो उठो जल्दी जल्दी, कमान ये घर छोड़ना होगा, चलो जल्दी करो अपना अपना सामान बांधो जल्दी, कमान कुछ बताओगे भी? दादाजी हमारे पास वक्त नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वो करो, चलो जल्दी सबके सब, कमान गो। क्या हुआ? चारू बिल्कुल ठीक है माँ, उसे कुछ नहीं होगा, कमान 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 इस तरफ से, चलो 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 सामान लो, चलो उठो इस तरफ आइए 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 फास्ट फास्ट, कमान दरवाजा खोलो। अच्छा सुनो, डीजल भर लो और जब तक मैं ना कहूं गाड़ी चलाते जाओ, बस कमान गो गो फास्ट कमान। सर मत डरो, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि क्योंकि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ ही देर में मैं सीएम बनूंगा, उसके बाद में कुछ भी कर सकता हूं मैं यहां पर, एक काम छोड़कर जिसकी वजह तुम हो। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपने घर जाने दीजिए। होशियार हो बहुत, तुम्हें बोलना चाहिए था वो यहाँ पर आएगा और मुझे बचा के ले जाएगा, पर ये बोलने की जगह तुम हाथ जोड़ रही हो। तुम अभी भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो। सिर्फ बॉस हीरो नहीं है, अब मैं भी हीरो हूँ। हटो हटो रास्ता छोड़ो, हटो हटो, पोस्टर बैनर और भी सारी चीजें हमने शहर में बंटवा दी है। हमने पार्टी किसको बुलाया है ना? हमने सबको बुलाया है, शहर में आज तक किसी ने कभी ऐसा शानदार शपथ ग्रहण समारोह नहीं देखा होगा, ऐसा जबरदस्त है। बोस के परिवार वालों पर नजर रख रहे हैं, मालूम हुआ है कि एक व्हाइट वैन में भागे हैं। शहर भर के वाटर टैंकर्स वालों को खबर कर दो, व्हाइट कलर के हर वैन को कुचल दे वो। ठीक है सर, सीएम बनने से पहले उनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। जी ठीक है, जाओ गाड़ी चलाओ, चल दो। क्या ये पोस्टर्स हैं? जल्दी जाकर चिपकाओ, औरतों से बातचीत बंद करो और अपने काम पर ध्यान दो, नहीं तो फंक्शन के बाद भी तुम लोग चिपकाते रहोगे। हाँ बोलो, तुम चिंता मत करो। हाँ ठीक है, मम्मी मम्मी बेटा मम्मी वो धक्का मार सकते हैं। बोस बोस बताओ चारू कहाँ है, बताओ चारू कहाँ है, कहाँ है चारू? बता रहा हूँ चारू को गेस्ट हाउस में बंद किया हुआ है। सीट को पकड़ के रखो। तो बताओ वसीम, हमारी खातिरदारी कैसी लगी, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अब ये सब छोड़ो, इस घर में हम 3 महीनों से बंद हैं, 3 महीनों से, तुम हमें यहाँ से जाने कब दोगे? इतनी सी बात पर नाराज क्यों हो रहे हो, जब इतने दिनों तक शांत रहे हो तो एक दिन और रुक जाओ, कल सुबह वो चीफ मिनिस्टर बन जाएगा, तब सारा कुछ उसकी मुट्ठी में होगा, तब तुम जहाँ चाहो वहाँ जाकर नहा सकते हो, जहाँ चाहो क्रिकेट मैच देख सकते हो, इतना ही नहीं तुम विधानसभा के अंदर घुसकर कंचे भी खेल सकते हो। मुझे ये सब बकवास नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ तिहाड़ जेल से मेरे दोस्तों को बाहर निकालना है। उठाने टाइम पे तुम्हें क्या बोला था? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, तुम कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं हो, अब तुम ही समझाओ इसे। इसको समझाने का वक्त निकल चुका है, अब तुम्हारे समझने का वक्त है, इसे समझाओ। मैं क्या समझूं, किडनैप करके डिमांड की बात थी, तब तुम्हारे साथी भी छूट जाते और कुंदन सहानुभूति वोट पाकर चीफ मिनिस्टर बन जाता। लेकिन हुआ क्या, तुम्हारा कुंदन चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है और हमारे साथी अभी भी जेल में हैं। यही खेल एक बार और खेलना होगा हमें, कुंदन के किडनैप की बात याद है ना तुम्हें? एक मिनिस्टर को किडनैप करने से पूरी दिल्ली ऊपर नीचे हो गई थी,
अब चीफ मिनिस्टर कुंदन का अपहरण कर लो और तब तिहार से सिर्फ साथियों को ही नहीं छुड़ा सकते, पूरी जेल को ही उठाकर अपने घर ले जा सकते हो। वसीम जानते हो, हमारी पार्टी अभी तक पब्लिक को ही बेवकूफ बनाती थी, लेकिन हमने पब्लिक के साथ साथ आर्मी को भी बेवकूफ बना दिया। बोस, पकड़ो इसे। हे, मुसीबत आ गई कुंदन। इस समय तो शुभ शुभ बोल। बोस पार्टी ऑफिस में आया था, उसने चारू का पता मांगा तो मैंने डर कर उसे बता दिया कि वो इस समय गेस्ट हाउस में है। एकदम टाइट होनी चाहिए, समझ लो। सर, दो वाटर टैंकर हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं सर। नहीं जानता सर, हो सकता है वो पापा का खून करने वाले ही लोग हो। ए, जाओ जाकर देखो। घबराओ मत, यहाँ पर तुम मेरी सुरक्षा में हो। है मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार उस वैन में बैठा हुआ है सर। तुम्हारा पूरा परिवार है? हाँ सर। घबराओ मत, मैं हूँ ना, मैं देखता हूँ। आओ, आप कुछ कीजिए सर। हेलो हेलो बॉस, कामेश्वर बोल रहा हूँ मैं। क्या हुआ भैया? अभी थोड़ी देर पहले दो वाटर टैंकर हमारे पीछे पड़े थे। क्या कह रहे हैं भैया? हम किसी तरह उनसे बचने में कामयाब हुए हैं। अभी हम लोग बिल्कुल सुरक्षित जगह पर हैं। हम लोग सीएम के साथ हैं। और सुनो बॉस, अब मैं बात कर लेता हूँ, आप जाकर खाना खाइए, जाइए। बॉस कुंदन। बॉस उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने बताया होगा कि मैं कैसे सीएम बना, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हूँ। ऊपर वाला अच्छे लोगों की परीक्षा लेता है, उनका नुकसान नहीं करता। बुरे लोगों को वो बहुत देता है, लेकिन छीन भी लेता है। तुम बुरे हो इसलिए तुम्हें 3 लोग मिले, और मैं अच्छा हूँ इसलिए मुझे 13 लोग मिले। कल सुबह 8:30 से 9:30 का शुभ मुहूर्त है। मैं शपथ लेने वाला हूँ, अगर तुमने मेरा भांडा फोड़ने की थोड़ी भी कोशिश की। हाँ खाओ खाओ, आराम से खाओ। वो बिरयानी खा रहे हैं तुम्हारे घर के लोग, उसमें जहर मिलाने को जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। ए, एक कमांडो से मैं कब तक बात करता रहूंगा? कल गवर्नर से बात करने की प्रैक्टिस तो कर लूं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है कल मेरी जिंदगी का। अब मैं देखता हूं कि तुम कैसे सीएम बनते हो। हटिए हटिए हटिए, आगे से हटिए, जाने दीजिए, रास्ता दीजिए, हटिए। आइए सर, आइए, हटिए, आगे से हटिए।
रुको, हटिए आगे से, आइए आइए सर। चलिए सर, चलिए आगे। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो, हटाओ इसे, कोई हटाओ इसे, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, हाथ छोड़ो, हटो पीछे हटो, सो अरे क्या कर रहे हो, सो पीछे हटो, चलो मुझे बोल, चलो पीछे हटो, पीछे हटो, सब पीछे हटो, पीछे हटो, सब पीछे हटो, हटो पीछे, हटो पीछे, हटो पीछे, अरे अरे ये गोली चला रहे हैं, हटो भागो भागो भागो, हम लोग जाएंगे, छोड़ दो मुझे, जल्दी कैसे देखो, छोड़ दो उन्हें, मेरे शरीर में बम बन रहा है, सबको उड़ा दूंगा, ले चलो जल्दी। क्या है ये, क्या कर रहे हो ये, किसने कहा अभी किडनैप करने को तुम्हें, कहते क्यों नहीं, किसने कहा किडनैप करने को? तुम्हारी किडनैपिंग इन लोगों ने नहीं की है कुंदन, इस रिमोट ने की है, समझे नहीं? उनके शरीर से बना बॉम्ब इस रिमोट से जुड़ा है, एकदम 24 कैरेट मिलिट्री से लाया हो, ओरिजिनल बॉम्ब। देखो बॉस, ये गलत कर रहे हो, एक सीएम को किडनैप करने के जुर्म में जानते हो तुम्हें कितने साल की सजा होगी, 13 साल की। वो तो है, अपने साथियों को बताओ ये बात, पुलिस के जानकारी के मुताबिक तुम्हारी किडनैपिंग मैंने नहीं, आतंकवादियों ने की है। कुछ पता चला? मंत्री जी को किडनैप करके ले जाने वाली गाड़ी पूरी पहाड़ की तरफ जा रही है सर, इधर पुलिस को तुरंत मैसेज भेज। सीएम की कुर्सी मेरा इंतजार कर रही होगी और तुमने मुझे यहाँ बैठा रखा है। अरे गवर्नर भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, सीएम बनने के बाद मैं सब कुछ रफा दफा कर दूंगा। अब तो छोड़ दो ना। तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, इस सीएम की कुर्सी के लिए तुमने जो दिल्ली में ड्रामा शुरू किया था उसे खत्म तो करना होगा। इस देश ने आज तक तुम्हारे जैसे भ्रष्ट पॉलिटिशियन नहीं देखा होगा, आज तक पॉलिटिशियन जनता को मूर्ख बनाते आए हैं, लेकिन तुमने तो आर्मी को भी धोखा दिया है। राजनीति ऐसी होती है बॉस, जब धोखा देना होता है तो आर्मी और माँ एक होते हैं। आर्मी क्या होता है तुम जानते हो? कमांडो कौन बन सकता है तुम जानते हो? कमांडो बनने के लिए कम से कम 60 किलो का वजन होना चाहिए, तेज नजर और सुनने की शक्ति होनी चाहिए, कम से कम 12वीं पास होना चाहिए। पॉलिटिशियन बनने के लिए तुम्हारे पास क्या क्वालिफिकेशन है? और तुम जैसे पॉलिटिशियन की सुरक्षा के लिए हम अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं, साय की तरह तुम्हारे पीछे घूमते रहते हैं, क्यों? इस उम्मीद में कि तुम हमारी देखभाल करोगे। इतना आसान नहीं है पॉलिटिक्स में आना, जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ 30 लोगों को मारा है मैंने, हजारों झोपड़ियां जलाई, 3 लाख बोगस वोट्स डाले हैं, मैं 13 पार्टी बदल चुका हूँ, अब सीएम बनने के लिए 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तुम समझते हो ऐसे ही आ गया यहाँ? नहीं, तुम्हें गार्ड करते वक्त हम तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को देखते हैं। मेरे जैसे कमांडोज अपने घर वालों की फिक्र छोड़कर तुम लोगों की सेवा में अपनी जिंदगी बिता देते हैं, और ऐसे ही हमारे 2 कमांडोज तुम्हारी किडनैपिंग के ड्रामा के दौरान मारे गए। जब हमारे साथी जख्मी थे तो उन्हें बचाने की बजाय मैं तुम्हें बचाने में लगा हुआ था, और उसी आर्मी को इस पद के लिए तुमने धोखा दिया, इसलिए मेरे लिए तुम एक आतंकवादी। मूव मूव मूव, कवर अप, क्विक क्विक क्विक, मूव मूव फास्ट, राउंड अप फास्ट। बॉस, तुम्हें जो करना है वो जल्दी कर लो, लेकिन उस शुभ मुहूर्त के पहले मुझे छोड़ दो, मैं वहां किसी भी तरह पहुंच जाऊंगा और सीएम बन जाऊंगा, देखो ना, मेरे 30 वर्षों का सपना है ये। जनता भी जिंदगी भर सपने देखती रहती है, एक अच्छे नेता का सपना, अच्छा नेता मिले या ना मिले तुम नेता नहीं बनोगे। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, देखता हूँ दे पाओगे या नहीं, 1 कप कॉफी दे सकते हो अभी यहाँ? मुश्किल है ना, इससे भी मुश्किल काम होता है पॉलिटिक्स, 1 पैसा नहीं है देश के खजाने में, पिछली सरकार सारी तिजोरी खाली कर गई। तुम्हें सच कह रहा हूं, घाटे में जा रही है मेरी पार्टी, ये पॉलिटिक्स जन नफा घाटा का सौदा। बॉस, तुम और तुम्हारे पिताजी जरूर अच्छे होंगे, लेकिन ये देश और पॉलिटिक्स अच्छे नहीं है बॉस। सुनो, चेतावनी दी जा रही है, बातचीत के जरिए आप अपनी मांगे बता सकते हैं, पुलिस ने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है, कोई भी बचकर नहीं जा सकता, आत्मसमर्पण कर दो, आत्मसमर्पण कर दो।
से यहाँ पहुँच चुकी है। मुझे छोड़ देने में ही तुम्हारी भलाई है। इस देश को तुम जैसी नेता की जरूरत नहीं है। तो तुम मुझ पर गोली चलाओगे? चलाओ, लेकिन एक बात सुन लो, चारू और तुम्हारा पूरा परिवार अभी भी मेरे कब्जे में है। अगर कुछ भी हुआ मुझे तो तुम्हारे परिवार के सारे लोग मारे जाएंगे। मरने दो, मरने दो। वैसे भी अगर तुम सीएम बने तो वो मारे जाएंगे, उससे अच्छी तो ये मौत होगी। बातें करना बहुत आसान है बॉस, लेकिन ये सोचा है कि तेरा चिताए जलाओगे तुम? जला लोगे? जला लूंगा। आखिर कब तक तुम हमें परिवार और बंधन के नाम पे धमकाते रहोगे? हर परिवार से एक आदमी आर्मी में जाता है। मैं अपने परिवार को देश के नाम कुर्बान करता हूँ। एक मिनट बॉस, देख तूने बोला मिनिस्टर को लेकर, मैं लेकर आया, अभी से जो करना है वो कर। मेरे को जाने दे बॉस, जाने दे मेरे को। तू यहाँ से कैसे बच निकलेगा ये तेरे बस की बात है। चल भागो, भागो। ये क्या, एक टेररिस्ट को छोड़ रहे हो और मुझे छोड़ नहीं रहे हो? देखो मैं नेतागिरी छोड़ने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दो प्लीज। जैसे हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा रहता है, वैसे ही हर गोली पर मरने वाले का नाम, और इस गोली पर तुम्हारा नाम लिखा है कुंदन। टेररिस्ट ने मिनिस्टर को मार डाला और एसी को शूट करके भागने की कोशिश कर रहे थे, हमने उन्हें मार गिराया। एक मिनट सर। यस सर, खबर सही है सर, शपथ ग्रहण समारोह के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर लें सर। जी बिल्कुल सर, ओके सर, ठीक है सर। मैं नारायण प्रसाद मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करता हूँ। मिशन कंप्लीटेड सर। कॉन्ग्रेट्स। ऑपरेशन सक्सेस, बट मेनी पेशेंट्स डाइड सर। नेवर बॉदर, आर्मी की प्रतिष्ठा को तुमने बचाया, आर्मी ने तुम्हारे परिवार को बचाया। सर देखो पीछे, पीछे देखो। कैसे हो बॉस? थैंक यू सर। ये रहा ऑर्डर, तुम अभी ज्वाइन करो या बाद में? राइट अवे सर। That's the spirit. Boss, congrats. Thank you, Dadaji. Parade! Salute!